दिस सेशन विद आस विद मल्टीप्लाइड. और ये जो सेशन है हमारा, दिस विल लास्ट टिल इन 3 मंथ्स, एंड इन 3 महीनों में हम तकरीबन 13 मॉड्यूल्स, ये 13 मॉड्यूल्स हम 20 सेशंस के अंदर कवर कर रहे होंगे. मेरे साथ मेरी टीम भी है, कुछ लोग ओरिएंटेशन में थे तो वो भी इस बात को जानते हैं. यू ऑल हैव द फ्लायर्स एंड डिटेल्स. सो हमारे साथ कुछ मॉड्यूल्स में सनोबर कर रही होंगी, कुछ मॉड्यूल्स मेरे पास हैं. वी हैव अ वेरी एक्सपीरियंस्ड खलीक साहब विद अस, मुदस्सिर साहब हमारे साथ हैं, इमरान साहब हमारे साथ हैं. तो हम सबका ये एम है कि ये जो आपका 13 मॉड्यूल्स का 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो. उसके अंदर आपको रेलिवेंट लोगों से इंफॉर्मेशन मिले जो इस फील्ड के अंदर मौजूद हैं और एक अरसे से काम कर रहे हैं. तो आई एम प्रिविलेज टू हैव दिस इन माई हैंड कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ कॉन्टैक्ट में हूँ और आपके साथ बातचीत कर रही हूँ. मल्टीप्लाइड का थोड़ा सा तारुफ अगर करें तो मल्टीप्लाइड एक एजुकेशन कंसल्टेंट्स और कंपनी है जो कि टीचर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन कंसल्टेंसीज पे काम कर रहे हैं विद इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड एज वेल. और जो अप्रॉस के साथ जो मल्टीप्लाइड का कोलैबोरेशन है वो सर्टिफिकेशन के हवाले से, एक कोर्स उनका जो अर्ली ईयर्स की सर्टिफिकेशन है वो भी हम वहाँ से करवा रहे हैं. यहाँ पर टेक्नोलॉजी के सिलसिले में लोगों ने ट्रेनिंग्स की, वो भी सर्टिफाइड कोर्स था हमारा अप्रॉस की तरफ से. और स्कूल मैनेजर्स का ये जो कोर्स है ये भी अप्रॉस की एक्रीडेशन के साथ हम यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं. तो अच्छा लगेगा आप सबके साथ यहाँ पे. मैं चाहूंगी थोड़ा सा ये हम बता दें, आप सबके माइक जो है वो म्यूट रहेंगे, और अगर किसी को बात करनी है, रिस्पॉन्स देना है, जो कि मैं इनकरेज करूंगी कि करें, बिल्कुल करें ज्यादा से ज्यादा. तो आपको जब बात करनी हो तो अपना हैंड रेज करेंगे, एंड व्हेन यू विल रेज योर हैंड हम आपका माइक अनम्यूट कर देंगे ताकि आप अपनी जो भी बात है वो शेयर कर सकें, अपना कोई कंसर्न या क्वेश्चन है तो हमारे साथ वो पूछ सकें. तो फिर स्टार्ट करते हैं इसके साथ. थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर देती हूँ, एजुकेशन की फील्ड से मैं तकरीबन 17+ ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ, और इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आई हैव वर्कड, इन वेरियस कैपेसिटी आई हैव वर्कड. एंड इफ आई वुड से के जो एजुकेशन के जितने भी एरियाज हैं, आई हैव टच्ड अपॉन ऑन दोज एरियाज, और उनके अंदर काम करते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि एजुकेशन की फील्ड में कितना स्कोप है और हम कितना कुछ इसके अंदर कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग क्लासरूम के अंदर पेडागॉजिकल स्किल्स कौन सी हैं, क्या मेथोडोलॉजीज होनी चाहिए, स्टूडेंट्स बिहेवियर्स को कैसे मैनेज करना है. अगर हम पॉलिसी मेकिंग की बात करते हैं तो स्कूल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से लेके करिकुलम डेवलपमेंट और टीचर्स ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया. और फिर अगर हम इवेल्युएशन की तरफ आते हैं, जो थर्ड ट्राइंगल है हमारा स्कूल मैनेजमेंट का, क्वालिटी एश्योरेंस और इवेल्युएशन के ऊपर, तो आई हैव सर्व्ड एज अ मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस, आई हैव वर्क फॉर एज अ स्कूल इंस्पेक्टर. तो जिसमें हम ये अश्योर कर रहे होते हैं कि जी स्कूल के अंदर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कैसा जा रहा है. तो मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स के अंदर वट एवर आई हैव लर्न सो फार वो सब हम आपके पास लेकर जाएंगे. और इस कोर्स के बाद हम सबका ये एम है कि यू विल बी एबल टू हैव इनफ नॉलेज, रेलिवेंट फॉर्मैट्स, relevant documentation in your hand. So if you want to start a school, you will be able to do that. Agar aap kisi organization mein as a school manager jana chahte hain, to aap itne equipped honge ki aap us organization ke structure ko samajhte hue aur uske andar apna input de saken aur uske andar kaam kar saken. Hamare paas badi diversified audience hai aur jo ki bahut achhi baat hai, बिकॉज ये सारा एक्सपोजर हमारे इस कोर्स को मज़ीद बेहतर और मज़ीद पावरफुल बना देगा. हमारे पास एक्सपीरियंस स्कूल मैनेजर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास स्कूल ओनर्स भी मौजूद हैं, हमारे पास टीचर्स भी मौजूद हैं, यंग प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो कि एम कर रहे हैं कि वो आगे अपनी लाइफ में एजुकेशन की फील्ड में आगे जा सके. तो आज का जो मॉड्यूल है इट्स इज अबाउट एजुकेशन एंड लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. एंड the first thing which I would like you
हाँ, ब्रीफली हम थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. वी विल बी ट्राइंग कि हम यहाँ पर जो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझ सकें. रोल ऑफ एजुकेशनल लीडर एज ए स्कूल मैनेजर है, वो एज ए एजुकेशनल लीडर क्या है उसका रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उसके बारे में यहाँ बात कर सकेंगे. कीपिंग द 21st सेंचुरी स्किल लर्निंग एंड द सिनेरियो विच वी आर, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि लीडरशिप का लैंडस्केप क्या है 21st सेंचुरी के अंदर, बच्चों की लर्निंग के अंदर. और अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू री स्किल और अप स्किल आर सेल्स कि हम एक अच्छे लीडर्स बन सकें, ताकि हम 21st सेंचुरी लर्निंग को एंश्योर करें और अपने बच्चों को बेहतर गाइडलाइंस दे सकें और अपने स्कूल्स को बेहतर कंडक्ट करा सकें. इसी के साथ हम बात करेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विच इज कॉल्ड इक्विटी एंड क्वालिटी इन स्कूल्स. तो क्या रिलेशनशिप है इक्विटी का क्वालिटी के साथ, और इक्विटी को एंश्योर करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस. एंड द लास्ट थिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग हियर वो होगा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट. किस तरह से एक स्कूल मैनेजर अपने स्कूल के अंदर एक और अपने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है. ये जो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है ये आप सब जानते हैं कि 2 सेशंस के अंदर है. तो जो फर्स्ट सेशन है इसमें हम यहाँ तक बात करेंगे, और जो सेकेंड सेशन हमारा इंशाल्लाह कल होगा तो हम उसके अंदर मजीद एजुकेशन लीडरशिप और लीडर रोल ऑफ अ स्कूल मैनेजर को एक्सप्लोर कर रहे होंगे. फर्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू आस्क यू, और अगर आप मुझे इसके ऊपर चैट पे जवाब देना चाहें तो आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल, कि हमारे दिमाग में लीडरशिप, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडरशिप क्या है, जरा जल्दी जल्दी से जो मेरे साथ अगर शेयर करना चाहे वो चैट पर मुझे मेंशन करें कि लीडरशिप को लेकर हमारे दिमाग में क्या आता है, व्हाट इज लीडरशिप. मोहम्मद साजिद रेज्ड हिज हैंड इन म्यूट, सो ही विल. थैंक थैंक यू. यू साजिद साहब. लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस अदर्स टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ओके, बिल्कुल. तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जो हम कह रहे हैं कि साजिद साहब ने कहा कि ये लीडरशिप वो प्रोसेस है जो कि अटेनमेंट और गोल्स की तरफ, म्यूचुअल अटेनमेंट और गोल्स की तरफ जा रहा होता है. वी हैव 3 मोर पीपल हु रेज देयर हैंड्स. अस्सलाम वालेकुम, हेलो मेरा नाम जी. सबा है. अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, लीडरशिप जी इज टू मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस द अदर्स अराउंड यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो सबा का कहना ये है कि लीडरशिप इज अबाउट मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस, कि लीडरशिप वो है कि जो दूसरों को मोटिवेट करे और इन्फ्लुएंस करे. तो जी, और कौन है हमारे साथ? ओके, मिस आसिया इकबाल भी कहना चाह रही है हमारे साथ लीडरशिप के बारे में कुछ. अस्सलाम वालेकुम मैम, इट्स मोहम्मद कमरुद्दीन. जी कमरुद्दीन साहब कहिए. मैम द बेसिक कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप हैज बीन शेयर्ड बाय माय फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर एक जॉन मैक्सवेल की बहुत ही अच्छी सी डेफिनेशन है लीडरशिप की, आई वांट टू कोट दैट ओवर हियर. एंड अकॉर्डिंग टू बिल्कुल. जॉन मैक्सवेल, इफ योर एक्शंस इन्फ्लुएंस पीपल टू बिकम मोर, लर्न मोर एंड एक्ट मोर, इट मींस दैट यू आर. बिल्कुल बिल्कुल. तो मजे की बात यह है कि हमारे पास हम तीनों पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने यहाँ पर बात की, तो जो कॉमन चीज हमारे पास आई वो इन्फ्लुएंस की बात आई. बिकॉज लीडरशिप की पर्सनालिटी, लीडरशिप हम उसी को कहते हैं जो कि अपने रोल से, अपनी बातों से, अपने काम से दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, मोटिवेट कर सके और एक कॉमन गोल की तरफ लोगों को ड्राइव कर सके. लेट्स सी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं लीडरशिप एंड स्कूल मैनेजमेंट को लेकर. यहाँ भी वही सारी बात आ रही है, लीडरशिप जो है और स्कूल मैनेजमेंट को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ये दोनों चीजें ओवरलैप कर रही होती हैं. हम लीडर को मैनेजर से अलहदा नहीं कर पा रहे होते हैं और मैनेजर्स को लीडर से अलहदा नहीं करते. लीडरशिप और मैनेजमेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट करता है, डिफरेंटली एक्ट करता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती है. लेकिन वो एक ही बंदा है जो कभी मैनेजर और कभी लीडरशिप का रोल ले रहा होता है. जैसे कि अभी हमने सबने बात की कि लीडरशिप बेसिकली इन्फ्लुएंस एक प्रोसेस है जिससे हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और यूजुअली हम यही कहते हैं कि एक अच्छा लीडर वही है
जो कि जिसका विजन हो, हु विल बी एबल टू वैल्यू पीपल, एबल टू यूनिफाई पीपल, उनको एक ही डायरेक्शन में लेकर जा सके. हिज और हर कम्युनिकेशन इज इन अ वे कि जो उसका विजन है वो बहुत क्लियरली मेंबर्स तक जाए, सो दैट इट जो तमाम एफर्ट्स हैं वो अलाइन हो, और अलाइन होने के बाद एक और इंस्टीट्यूशनलाइज हो, और उसके बाद हम एक ग्रोथ की तरफ जा रहे हों. तो दिस इज वॉट द रोल ऑफ अ लीडरशिप, रोल ऑफ अ लीडर, और जिसको हम यूजुअली हैं इन्हीं सारे रोल्स के अंदर, उसके इन्फ्लुएंशियल रोल्स के अंदर. अगर हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि लीडर और मैनेजर, हम अच्छे से जानते हैं कि लीडर और मैनेजर एक ही किरदार, एक ही करेक्टर के अंदर मुख्तलिफ किरदार हैं. कभी हम लीडर हैं, कभी हम मैनेजर हैं. अकेला लीडर एक ऑर्गेनाइजेशन को, एक इंस्टीट्यूशन को नहीं चला सकता, मुझे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का पार्ट भी करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और मैनेजर की टोपी भी लेनी पड़ती है. और अगर हम ये देखें कि इसके अंदर क्या चीज आती है, क्या डिस्टिंक्शन है हमारे लीडरशिप और मैनेजमेंट के अंदर, तो जैसे अभी हमने बात की थी पहली स्लाइड में कि यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं विजन की. एक लीडर के पास विजन है, और उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजमेंट का रोल आ जाता है. कभी कभी वो लीडर सिर्फ ऊपर होता है और उसके नीचे लोग होते हैं मैनेजमेंट के जो उसको अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी वो लीडर को भी उस रोल में आना पड़ता है ताकि इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर कर सके. इसी तरह से लीडरशिप का एक बड़ा काम ये होता है कि वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर बात करे, लॉन्ग टर्म इश्यूज के ऊपर बात करे, और जो ऑपरेशनल इश्यूज है वो डिफाइन कर रहा हो अपनी टीम के अंदर. लेकिन स्टिल जब डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात आती है तो उन ऑपरेशनल इश्यूज को इवैल्यूएट करने के लिए, उन ऑपरेशनल इश्यूज की इम्प्लीमेंटेशन, उन ऑपरेशनल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए लीडर को कहीं ना कहीं मैनेजर के तौर पे भी काम करना पड़ रहा होता है. एक लीडर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, वो लोगों में तब्दीली, लोगों के अंदर बदलाव, और बदलाव किस तरह से, लर्निंग बाय डूइंग के मेथड से, करके सीख के, चीजों को परख के, चीजों को दोबारा से करके वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, एक पूरी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है. जबकि अगर हम मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर का जो ज्यादा फोकस होता है वो ट्रांजैक्शनल चीजें हैं, ऑपरेशन, सुपरवाइजिंग, ये काम हो जाए वाली चीजें होती हैं. फिर वही बात अगर हम स्ट्रेटेजिक इश्यूज की और विजन की बात करते हैं तो लीडर ये कहता है कि एंड क्या है, उसका टारगेट एंड रिजल्ट होता है, और मैनेजमेंट जो है वो मींस पे ज्यादा करता है, किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, कौन कौन से स्टेप्स लेंगे, ये सारी चीजें करता है. लीडरशिप और मैनेजमेंट की ये टर्म्स आप सबके लिए नई नहीं है. जस्ट टू रिकॉल ऑल दोस थिंग्स, लीडरशिप पीपल ओरिएंटेड है, वो लोगों के लिए काम करती है, जबकि मैनेजर जो है वो सिस्टम का काम करता है. अगर हम सिर्फ पीपल ओरिएंटेड रहेंगे तो फिर सिस्टम्स कैसे चलेंगे, और अगर हम सिर्फ सिस्टम्स को लेकर चलेंगे तो सिस्टम्स बनाने वाले लोग होते हैं, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है. तो एक लीडर और एक स्कूल मैनेजर जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पीपल और सिस्टम दोनों का एक बैलेंस बनाकर रखे. और लीडरशिप के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम कहते हैं कि डूइंग द राइट थिंग. लीडर जो है वो चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा होता, लीडर चीजों को ठीक तरीके से, सही तरीके से, और जो सही है उसको करने पे फोकस करता है. यहाँ पर किसी को कुछ सवाल है, अगर कोई सवाल है तो बात करें. ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्स आया नो मैडम. चले जी, आगे हम बढ़ते हैं. क्या हम बता सकते हैं कि हम किस किस्म की स्किल्स एक लीडरशिप में रिक्वायर्ड होती हैं? ये कुछ स्किल्स हैं एक लीडर और एक मैनेजर के लिए बड़ी जरूरी है. लीडरशिप एंड और मैनेजमेंट के लिए जब हम बात करते हैं तो ये कुछ स्किल्स हमारी बड़ी जरूरी है, जिसमें इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, जो हमने लीडरशिप का रोल लिया, बहुत जरूरी है. लर्निंग स्किल्स, एक लीडर एक अच्छा लर्निंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, रेडी टू लर्न, रेडी टू अपग्रेड देमसेल्व्स, ये जरूर होना चाहिए. लीडर अगर फैसिलिटेशन नहीं कर रहा होगा, लीडर अगर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा, लीडर अगर लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर रहा होगा, तो कभी भी मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं हो सकेगी, कभी भी मैनेजमेंट मुकम्मल नहीं हो सकेगी,
और बेटर परफॉर्मेंस हमें नहीं मिल रही होगी। और इसी सब के साथ साथ जो क्रिएटिव स्किल है लीडर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एनविजन कर रहे होते हैं, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें हमारी जो क्रिएटिव स्किल एक लीडर के अंदर है वो पॉलिश होने की बहुत जरूरी है। तो अगर हम एक लीडर और एक मैनेजर को देखते हैं ऑन अ होल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जो कि एक टॉप मोस्ट पोजिशन है, तो उसके अंदर ये चार स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स, लर्निंग स्किल्स, फैसिलिटेटिंग स्किल्स और हमारी क्रिएटिव स्किल्स। मूविंग फॉरवर्ड जरा सा देख लेते हैं कि लीडरशिप का रोल क्या है, स्कूल लीडर्स का रोल क्या है, शेपिंग द फ्यूचर। अगर हम बात करते हैं कि स्कूल लीडर फ्यूचर को शेप कर रहा होता है, क्या हम बता सकते हैं कि इसमें कौन सी स्किल हमारे अंदर आ सकती है शेपिंग द फ्यूचर में? जो हमने ऊपर चार स्किल्स की बात की, यहाँ पर ये जो लीडरशिप की स्किल्स हैं, वो इन सारे कामों में, इन सारे रोल्स में मल्टीपल स्किल्स जो है वो काम कर रही होंगी। अगर हम बात करते हैं शेपिंग द फ्यूचर की, जिसका मतलब ये है कि एक लीडर का काम होता है कि वो बिल्कुल टू सी बियॉन्ड द विजनरी एक्शंस, यहाँ पर किसी ने कहा हाई अप्रोच होती है। तो जब एक टीचर का ये काम होता है कि एक लीडर का जब ये काम होता है कि वो फ्यूचर को शेप करे, लोगों को आगे लेकर जाए, बियॉन्ड द लिमिट्स लेकर जाए, नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इसके अंदर उसकी इस्तेमाल हो रही होती है, जो हमने ऊपर देखी, वो होती है उसकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल, वो होती है उसकी जिसके अंदर वो इन्फ्लुएंस कर पाता है, उसकी क्रिएटिविटी, वो कैसे एनविजन कर रहा है चीजों को और वो कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है। इसी तरह जब हम लीडिंग, लर्निंग एंड टीचिंग की बात करते हैं, अगर एक लीडर के अंदर लीडरशिप स्किल के अंदर, लीडर के अंदर अगर लर्निंग स्किल नहीं है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो लीड करे लर्निंग और टीचिंग को। डेवलपिंग सेल्फ एंड वर्किंग विद अदर्स के अंदर उसको बहुत जरूरी है कि उसके अंदर निगोशिएशन हो, फैसिलिटेटिंग स्किल हो, साथ ही साथ उसके अंदर लर्निंग स्किल भी मौजूद हो, तो वो अपने आप को भी डेवलप कर रहा होता है और वो अपने साथ के जो कोवर्कर्स हैं, जो उसकी टीम है, वो उसको भी डेवलप करता है। इसी में जब हम आगे जाते हैं और हम कहते हैं कि जी एक रोल, लीडर का रोल है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करे, ऑपरेशंस को मैनेज करे, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पर आ जाती है उसकी कम्युनिकेशन, कि किस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, किस तरह से वो अपना मैसेज पहुंचा रहा है और किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द मेंबर्स। इसके अलावा अगर जब हम बात करते हैं कि एक स्कूल लीडर का रोल है कि वो अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करे, बिकॉज अगर हम अकाउंटेबल नहीं करते, अगर हम चीजों के ऊपर लोगों को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते, तो हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। तो एक लीडर पीपल ओरिएंटेड जरूर होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसको अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है टास्क अकम्प्लिश करने के लिए, उसको लोगों से सवाल करना होता है हुआ है, टाइम को कंप्लीट करने के लिए, टाइम लिमिट्स को, टाइम बाउंड्रीज को मैच करने के लिए उसको ये काम करना पड़ता है। तो उसके अंदर उसकी फैसिलिटेटिंग स्किल, उसके अंदर उसकी एनविजनिंग, उसके अंदर उसका क्या नाम है इन्फ्लुएंस, ये सब बहुत मैटर कर रहा होता है। और इसी तरह जब हम स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी की बात करते हैं, एक लीडर कभी भी अकेला नहीं कर सकता। एक स्कूल लीडर की कम्युनिटी में उसका स्टूडेंट, उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स, वो सब एक स्कूल कम्युनिटी बनाते हैं। तो जब हम कम्युनिटी को स्ट्रेंथनिंग करने की बात करते हैं कि कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ हों, तो जो लीडरशिप स्किल इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इन्फ्लुएंसिंग, ताकि हम मोटिवेट कर सकें, वो है क्रिएटिविटी, ताकि हम एनविजन करें चीजों को, मोटिवेट करें और आगे लेकर जाए, और फैसिलिटेटिंग, हम टास्क असाइन कर देते हैं और फैसिलिटेट नहीं करते, तो क्या कम्युनिटी हमारे साथ होगी, क्या लोग हमें समझ पाएंगे कि सिर्फ टास्क दे दिया और उसके बाद हम अकाउंटेबल तो करने आ गए, लेकिन जो बीच का प्रोसेस है जिसमें हमें उनको फैसिलिटेट करना है, जिसमें हमें उनको गाइड करना है, जिसमें हमें उनको वेज बताने हैं ताकि वो भी डेवलप हो सकें और ग्रो कर सकें, वहां पर हम पीछे हो गए, तो फिर एक स्कूल लीडर अपना रोल सही से प्ले नहीं कर पाता और वो अपनी कम्युनिटी को स्ट्रेंथन नहीं कर पाता। आगे अगर हम चलते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि स्कूल लीडर को चैलेंजेस कौन से आते हैं। ये बहुत जरूरी है कि स्कूल लीडर अपना काम
जब कर रहा होता है तो उससे अपने स्ट्रेंथ्स भी पता हो और जो चैलेंजेस वो फेस कर रहा है वो भी उसे मालूम हो। जब उसको सारे चैलेंजेस का पता होगा तभी वो बेहतर तरीके से इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकेगा। तो एक स्कूल लीडर को जब वो ग्राउंड पे काम करता है तो जिस किस्म के चैलेंजेस आते हैं उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है टीचिंग एंड लर्निंग की कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। देर आर सम इंटरनल फैक्टर्स इन इट एंड सम एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल। जब हम कंसिस्टेंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग की बात करते हैं और इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास क्वालिटी ऑफ टीचर कैसा है, क्या हम उसकी अपलिफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग मॉनिटर किया जा रहा है, उनकी स्किल्स को उनके एबिलिटीज को हम असेस कर रहे हैं, और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए जो एक्सटर्नल चैलेंज आता है वो समटाइम्स ये भी आता है कि आप हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं कि ब्रेकडाउन्स हो गए, स्कूल बंद हो गया, तो वो जो कंसिस्टेंसी है टीचिंग एंड लर्निंग में और जो गुड प्रैक्टिसेस हम एक अरसे से लेकर जा रहे हैं वो इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो एक स्कूल लीडर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कंसिस्टेंसी को और गुड कंसिस्टेंसी को रिमेन रखना है। इसके अंदर एक और बहुत फैक्टर है टीचर्स एट्रिशन। जब टीचर बार बार छोड़ के जा रहा होता है तो स्कूल लीडर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो टीचिंग एंड लर्निंग के प्रोसेस को कंसिस्टेंट रखे, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। इसी तरह से एक और जो चैलेंज उसके साथ सामने टीचर स्कूल लीडर के पास होता है वो करिकुलम का होता है, जो ब्रिज है नॉलेज और स्किल का विद द बैलेंस्ड करिकुलम, कि एक इंटीग्रेटेड करिकुलम हो जिसमें नॉलेज, जिसमें स्किल्स और जिसमें तमाम कंपोनेंट्स को शामिल किया जाए, लर्निंग एरियाज को शामिल किया जाए, उसके बैलेंस को बरकरार रखना। ये एक स्कूल लीडर के लिए, जब इस बैलेंस को हम बरकरार रखते हैं तभी हमारा टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस पर इसका असर आ रहा होता है, उस पर रिजल्ट्स हमारे आउटकम्स बेहतर होते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है पार्टनरशिप्स बियॉन्ड द स्कूल। और पार्टनरशिप बियॉन्ड द स्कूल यानी जो हमारी पेरेंटल कम्युनिटी है उनके साथ, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि कम्युनिटी को स्ट्रेंथन करना एक रोल है उसका, चैलेंज अदर हैंड कि कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, पेरेंट्स को कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए, कैसे हम जो लर्निंग है और न्यू अपॉर्चुनिटीज है उसके होराइजन्स को ओपन करें, उनके डोर्स को ओपन करें अपने बच्चों के लिए और अपने स्कूल के अंदर। ये भी एक चैलेंज होता है स्कूल लीडर के लिए जिसके ऊपर उसको काम करना होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज इज मैनेजिंग रिसोर्सेस। बिकॉज जब हम बात करते हैं एक स्कूल लीडर की कि वो विजनरी है, वो नई टेक्नोलॉजीज, नए ट्रेंड्स को अप्रिशिएट करता है, वो उन सबको ऑन बोर्ड लाता है, वो करिकुलम में मैनेज करता है चीजों को, उसकी इंटीग्रेशन को बैलेंस बनाता है नॉलेज और स्किल का, और उस सबके बाद अगर वो प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस को मैनेज नहीं कर पाता, अगर वो रिसोर्सेस नहीं दे पाता और प्लान नहीं कर पाता टाइमली रिसोर्सेस की मौजूदगी को, तो ये सारी चीजें जो उसने एनविजन की हुई होती है वो पीछे रह जाती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है स्कूल लीडर्स को कि वो टाइमली प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेस को इंश्योर कर रहा हो। और एक और एक्सटर्नल फैक्टर जो एक स्कूल लीडर के सामने आता है वो बिहेवियर्स एंड अटेंडेंस है, और ये बिहेवियर्स एंड अटेंडेंस दोनों तरफ से आते हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से भी आते हैं और टीचर्स की तरफ से भी आते हैं। अगर एक स्कूल लीडर एक अच्छी टीम बना पाता है तो उसके बाद उसके ये चैलेंजेस कम हो जाते हैं, उसकी टीम अच्छी होती है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होती है, उसका विजन कम्युनिकेटेड होता है क्लियरली और हर एक को मालूम है कि उनको क्या काम करना है, तो लोगों के बिहेवियर पॉजिटिव होते हैं, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बिहेवियर्स को मैनेज कर सकें, और उसी के साथ साथ अटेंडेंस, एक स्कूल का एनवायरमेंट दोनों तरह से, बच्चे के लिए भी अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और टीचर्स अटेंडेंस को इंश्योर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे हम, कोई क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे, हमने जो पहला पॉइंट कहा कि कंसिस्टेंसी ऑफ गुड टीचिंग एंड लर्निंग को इंश्योर करना है, उसके अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अटेंडेंस का भी आता है। अगर टीचर ऑफ एंड ऑन अटेंडेंस का शिकार, एब्सेंट होने का शिकार होती है, बच्चे रेगुलर नहीं होते स्कूल के अंदर, तो वो जो टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरमेंट है वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे होते। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो स्कूल लीडर्स के सामने हर बार आते हैं,
और कुछ फैक्टर्स इसमें वो हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जिनको हम अपनी मैनेजिंग स्टाइल से, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन से, अपने इन्फ्लुएंस के साथ मैनेज कर सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स हमारे एक्सटर्नल हैं जो कि डेफिनेटली उनको फोर्सी करके उनके लिए एक प्लान जरूर हम जो है वो बना सकते हैं। इसके ऊपर आगे के उसमें बात भी हम कर रहे होंगे कि जी वो प्लान किस तरह के होते हैं, कि जब हम फोर्सी करें और एक लीडर के पास उसका एक प्लान होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को डील करने के लिए। बात यहाँ पर आ जाती है एजुकेशनल लीडरशिप की। लीडर्स तो है, लेकिन एजुकेशनल लीडरशिप जो है वो क्या कहती है? एजुकेशनल लीडरशिप हम कहते हैं कि एक लीडर का बहुत ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर। जो कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है, वेदर इट इज डायरेक्टली अलाइन टू करिकुलम और क्लासरूम और टीचिंग और बच्चा, और अगर इनडायरेक्टली भी वो स्कूल के अंदर हो रहा है, तो उसका असर स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर आता है। तो एक एजुकेशनल लीडर जो है वो एकेडेमिक मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स दोनों को बैलेंस करके चल रहा होता है। तो ऐसे हम लीडर को एक एजुकेशनल लीडर कहते हैं, जहां पॉलिसी ऐसी हो जो के स्कूल प्रैक्टिस के साथ अलाइन हो सके और इजीली अडैप्टेबल हो, जो कि पीपल फ्रेंडली भी हो, साथ सिस्टम हो, जहां पर पेरेंट्स के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो कि वो एज अ पिलर हमारे स्कूल के साथ शामिल हो और बच्चों की लर्निंग का पार्ट बन सके। तो ये एक एजुकेशनल लीडर का काम होता है कि वो पेरेंट्स को किस तरह से शामिल कर रहा है। तो ऑल्दो पेरेंट्स का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लर्निंग के अंदर नहीं आ रहा, डायरेक्ट पेरेंट्स टीचर क्लास के आकर पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अगर पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इंश्योर होती है, अगर पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट होती है और एजुकेशन लीडर पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेने में कामयाब हो जाता है, तो हम बहुत आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाते हैं बच्चों के साथ जो क्लासरूम के टारगेट्स हैं। कुछ मॉडल्स ऑफ एजुकेशन लीडरशिप पे बात करेंगे। हम यहाँ पर दो मॉडल्स की बात कर रहे हैं एजुकेशन लीडरशिप के। जो एजुकेशनल लीडर्स होते हैं वो दो तरह की ये मॉडल्स होते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल होता है और पेडागॉजिकल मॉडल होता है। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि एक लीडर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसकी क्वालिटी होती है। वो लोगों को डायरेक्शन देता है, वो चीजों को रीस्ट्रक्चर करता है, वो चीजों को अलाइन करता है और रीअलाइन करता है ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। वो अगर कोई पॉलिसी बनाता है तो उसको रिविजिट करता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखता है और उसके हिसाब से उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है। जो हमने लर्निंग की बात की थी कि लर्निंग बाय डूइंग, और जब वो करता है तो सीखता है, तो जब पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई उसको रिविजिट किया, उसको रिव्यू किया, अपने प्रैक्टिसेस को रिविजिट किया, स्ट्रक्चर को अगर रीडिजाइन करना है तो वो किया, ताकि जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें अचीव कर सके। और जब हम पेडागॉजिकल या इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप की बात करते हैं, तो पेडागॉजिकल इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप, जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो मेनली फोकस कर रहा होता है प्लानिंग ऑफ करिकुलम और टीचर्स, पेडागॉजी के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, कौन से इंस्ट्रक्शनल मेथड्स यूज हो रहे हैं क्लासरूम के अंदर, टीचर्स करिकुलम को इफेक्टिवली मैनेज कर रही हैं क्लास में कि नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स लेकर क्लास के अंदर जाया जा रहा है, जो करिकुलम के बेंचमार्क्स हैं उनको अचीव करने के लिए जो स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं, आया कि वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। तो उन सारे प्रोसेस को जब वो देखता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को, उन प्रोसेसेस को इंश्योर करता है, तभी उसको ये अंदाजा होता है कि कहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। फिर वो रोल ले लेता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का, कि कहाँ चीजों को रीस्ट्रक्चर करना है, कहाँ पे चीजों को रीअलाइन करना है, कहाँ पे कोई नई चीज ऐड करनी है, कहाँ पे किसी चीज को हटाना है, जो कि इन सारे हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर बैरियर्स लेकर आ रही है। अच्छा जी, हम आजकल 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं और बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी लीडरशिप, 21st सेंचुरी लर्निंग, हम इन सब के ऊपर काफी सारी बात कर रहे हैं। और जब हम 21st सेंचुरी लर्निंग की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से अंदाजा हो रहा है, और इस पेंडेमिक के दौरान तो हमें और भी इस बात का अंदाजा हुआ है कि अब क्लासरूम की लर्निंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर नहीं है। जो 21st सेंचुरी एजुकेशन है
वो बियॉन्ड द क्लासरूम्स चली गई है और उसका जो सक्सेस है वो भी अब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी एक जगह बैठकर किसी एक चीज को अचीव कर लेते हैं। अब जो 21st सेंचुरी के लोग हैं उनके लिए ऑफिस की बाउंड्रीज नहीं रह गई हैं। अब 21st सेंचुरी में हमारे पास ये नहीं रह गया है कि हमको 9 to 5 की जॉब करनी है। अब फ्रीलांसिंग का दौर आ गया है, अब आउटसोर्सिंग का दौर आ गया है, अब ऑफिस बाई है, लोग कहीं से भी बैठकर किसी भी वक्त काम कर सकते हैं। ट्रैवल हमारी बहुत हो गई है, हम ट्रैवल अपने घर से बैठकर दूसरी जगह भी पहुंचे हुए हैं, वर्चुअल ट्रैवल्स भी हमारे बहुत हो गए और फिजिकल ट्रैवल्स भी हमारे बहुत हो गए। तो ऐसे में जब हमें इस सिनेरियो में अपने बच्चों को तैयार करना है तो कैसे किस तरह के लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होगी, कैसा स्कूल लीडर हो जो कि ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर सके स्कूल के अंदर कि हमारे बच्चे अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो अक्रॉस द ग्लोब वो अपने आप को मनवा सके, अक्रॉस द ग्लोब वो लोगों के साथ काम कर सके, उनकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग हो, उनके रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग हो सके, उनके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी हम हो सके कि वो उनके ऊपर काम कर सके। जनरेशन जी, हम अभी तक बात कर रहे थे जनरेशन बीटा, बेबी बूमर्स और सब, जनरेशन जी भी अब गुजर गई और हम तो अब जनरेशन अल्फा की तरफ आ गए। तो अगर हम देखते हैं कि जो जनरेशन जी थी, जो कि अब से कई साल पहले 2009 के करीब वो बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजीज, आईपैड, स्मार्ट बोर्ड्स, ये सारे जनरेशन जी के पैदावार हैं। और अब जो हम आगे देख रहे हैं, जो 2010 के बाद के हमारे बच्चे हैं जिनको हम जनरेशन अल्फा का नाम दे रहे हैं, ये तो एआई की जनरेशन आ गई है। यहाँ तो स्मार्टफोन्स, आईपैड्स, स्मार्ट बोर्ड से हटके, 3D एनिमेशन से हटके, यहाँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। और मोस्ट लाइकली ये वो बच्चे हैं जो कि अब 21st सेंचुरी के बाद इनमें से बहुत सारे 22nd सेंचुरी का पार्ट होंगे। तो इस वक्त अगर इनके पास जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि वो कम्युनिकेट कर सकें, वो डिसीजंस ले सकें, वो कोलैबोरेशन में, ब्रॉडर कोलैबोरेशन में, ग्लोबल कोलैबोरेशन में काम कर सके, उनके पास इतने स्किल्स हो, तो आगे जाकर जो हमारी ये जनरेशन अल्फा जो है इसको आगे जाकर और कितना ज्यादा अपने स्किल्स के ऊपर फोकस रहना होगा, ये 21st सेंचुरी लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि वो इन तमाम स्किल्स को जाने। हैं क्या ये 21st सेंचुरी स्किल्स? क्या मैं यहाँ पर पूछ सकती हूँ किसी से कि 21st सेंचुरी स्किल्स में ये जो हमने 3 स्किल्स किए हैं टोटल, इनमें क्या क्या आता है? कोई हाथ रेस करेगा अपना? एनीवन वांट टू शेयर? जी, 2 पार्टिसिपेंट्स ने हमारे पास हाथ रेस किया है। कौन कौन सी हैं 21st सेंचुरी स्किल्स? जी, फातिमा इफ्तिखार कुछ कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इट्स कमरुद्दीन मैम। जी जी, कहिए सकदर साहब। जी मैम, बेसिकली तो यानी कि मैंने 6 पढ़ी हैं जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, उनमें 4 चीज हैं जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, और इसके अलावा 2 मजीद जो यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, एक डिजिटल लिटरेसी और सेकंड है स्टूडेंट लीडरशिप। इसके अलावा मैनेजिंग पीपल, डीलिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी इससे मजीद इसमें 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर ये आ जाती है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और कौन कौन सी स्किल्स, कुछ और कोई शेयर करेगा? किसी के पास और कोई नॉलेज है? हम 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत बात कर रहे हैं आजकल। जी मैम, पहले बात जैसे पहले भी बात हो चुकी है, ICT स्किल्स और फ्रीलांसिंग है जो एक आम 16 साल का बच्चा, 9-10 का बच्चा भी बहुत आसानी से कर सकता है और कर रहे हैं बच्चे, और वो बच्चे लाखों नहीं तो हजारों तो कमा ही रहे हैं। तो ये फ्रीलांसिंग स्किल्स है। और मेरे ख्याल में जो ट्रांसफरेबल स्किल्स है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सेंचुरी में। और जी,
और ये जो ई कॉमर्स जो है ना ये आगे यही होना है बस, मेरा यही ख्याल है. शुक्रिया. बिल्कुल 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 ऐसी बात है सबा. थैंक यू सो मच सबा. सादिया भी कुछ कहना चाह रही हैं. सादिया हमसे कहना चाह रही हैं कुछ. कैन यू हियर मी? यस यस सेल्फ इसमें या सेल्फ एफिकेसी है, इसमें मोटिवेशन ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी को जो लीड कर रही है, तो बताया कि इसमें यानी कि बकौल सबा के जो सबा की बात से मैं सर वो हूँ, यानी कि मैं उनसे एग्री हूँ कि ये ई कॉमर्स का है नेक्स्ट टाइम, तो कॉमर्स का दौर है टेक्नोलॉजी का. बिल्कुल 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 जी, टेक्नोलॉजी हर तरफ है और कोलैबोरेशन भी है कि मतलब अब देखें जिस तरह के ग्रुप्स में हो रहा है कि जिस तरह हम लोग कर रहे हैं पूरी उस तरह मतलब पूरी उसकी लाइफ स्किल्स भी हम यूज कर रहे हैं, लिटरेसी भी है, लर्निंग भी है, बिल्कुल तीनों चीजों को हम जी बिल्कुल ठीक जी सादिया बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत जरूरी हो गया हमारे साथ कोलैबोरेशन, और क्योंकि हम ग्रुप्स में काम कर रहे हैं तो हमारी सोशल स्किल्स जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है और उनके ऊपर काम करना भी बड़ा जरूरी हो गया है हमारे पास. साजिद भी कुछ ऐड करना चाहते हैं. सादिया आपकी बात हो गई, आगे चले जी. साजिद साहब भी कुछ ऐड करना चाहते हैं जी. थैंक यू. ये लर्निंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स जो आपने लिखा ये तो ठीक है, उसके साथ मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ जो एल्विन टॉफलर जो कह रहे फ्यूचर शॉक के राइटर जो है वो उसमें कहते हैं कि द इलिटरेट ऑफ द 21st सेंचुरी विल नॉट बी द पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट द पर्सन हु कैन नॉट लर्न अनलर्न एंड रीलर्न. बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात कही साजिद साहब ने कि इस वक्त की जरूरत यही है. और हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स में बात किया था कि हम अपने आप को रीस्किल करने की बात कर रहे हैं और अपस्किल करने की बात कर रहे हैं, और वो रीस्किल और अपस्किल तभी हो सकेगा जब हम अपनी नई चीजों को लर्न करने के लिए पहले अनलर्न कर रहे होंगे और कुछ चीजें हम रीलर्न कर रहे होंगे. तो बहुत अच्छी बात की साजिद साहब ने. कमरुद्दीन साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं. जी मैम, आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग एंड दैट वाज द क्रिएशन ऑफ ग्रिट इन द स्टूडेंट्स. हाँ बहुत जबरदस्त. ग्रिट को हम जो समझते हैं कि यू आर टू स्टिक टू द लॉन्ग टर्म गोल्स, मींस यू आर नॉट गोइंग टू लीव योर स्टडीज. Rather, slowly, gradually, you are to stick to the goal so that you are going to attain it in the future. Aap burn out na ho jaye, fatigue mehsoos na kare, aur taki system se aap nikal na jaye. You are to be the part of the system till you are going to achieve your desired goals. बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जबरदस्त बात की आपने कि growth mindset, grit बहुत important है. अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम नहीं फियर जो है वो एक और स्टेप आगे बढ़ाने के लिए हमारा एक वेद बताता है हमको. तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है, रिस्क लेने की बातचीत है कि हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हार नहीं मानना चाहते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है इस वक्त. आमना भी कुछ कह रही है और अब्दुल खालिक साहब भी कुछ कहेंगे उसके बाद. मैम इसमें जो है ना हमें फोकस बनाना चाहिए कि डिजिटल लिटरेसी स्किल जो है ना ये तमाम स्किल्स को मद्देनजर रखते हुए जो है ना डिजिटल लिटरेसी स्किल जरूरी है जिसमें इफेक्टिव यूज ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्किल्स है ताकि हम बच्चे को इस काबिल बनाएं कि वो जितनी भी डिजिटल लिटरेसी है इसकी स्किल्स को अडॉप्ट करें अर्ली एज से ही और उसका इफेक्टिव यूज भी उसे आना चाहिए. टेक्नोलॉजी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए लेकिन जब तक हमें उसकी लिटरेसी नहीं है, जब तक उसका इफेक्टिव यूज नहीं आता, तब तक के लिए वो हमारे पास वो बेकार है. बिल्कुल ऐसे ही है. टू ट्रेन आवर किड्स. बिल्कुल. और ये देखिए हमारे सामने आया भी था कि टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी लेकिन क्योंकि हमें उसका यूज नहीं आता था तो इस कोविड के दौरान हमको उस तक पहुंचने में बड़ा टाइम लगा. बहुत सारे स्कूल्स को और
टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने में, अपनी क्लासरूम्स को टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि ऑल दो टेक्नोलॉजी मौजूद थी लेकिन उसका इफेक्टिव यूजेज हमें नहीं आता था। जी, और आमना कुछ कहना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। जी जी आमना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऐसा है कि इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी कि अब रादर ये नहीं है कि अचीवमेंट बेस्ड नहीं है काम, कि बच्चे ने अचीव कर लिया, अब ज्यादा है लर्निंग बेस्ड है, यानी कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, बच्चे का क्लियर है। डिस्कवरी लर्निंग जो है ज्यादा जो है वो कह लें कि उसका ज्यादा जो है वो जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बच्चे को आता तो है, क्या वो अप्लाई कर सकता है उस चीजों को, उसको चीज उसको उसके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, लेकिन क्या वो मुख्तलिफ सिनेरियो में अपने बनाए हुए कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, अब किसी चीज को सीख कर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल इस वक्त आ चुकी है। जी, और अब्दुल खालिक साहब भी कुछ कह रहे थे। आमना, आपकी बात हो गई? जी, थैंक यू। आप थैंक यू आमना। जी खालिक साहब कुछ कह रहे हैं? जी खालिक साहब को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। 21st स्किल जो है उनमें जो जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है, जो मुझे सबसे ज्यादा अहम लग रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो मैं देख रहा हूँ वो ये कि लाइक फिलिपाइन और श्रीलंका की तरह पाकिस्तान में भी ये होने वाला है कि बहुत सी जॉब जो है इस वजह से चली जाएंगी कि वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगी। तो जिस हमारे मुआशरे को या हमारे स्टूडेंट्स को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत मैं समझ रहा हूँ वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी की स्किल देना भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट हो चुका है, क्योंकि अब बहुत तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो दुनिया भर में फैलती चली जा रही है और हमारी जॉब रिप्लेसमेंट जो है एक्सपीरियंस आ रही है। तो हम कैसे अपने बच्चों को तैयार करेंगे कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी जब कम हो जाएंगी तो फिर जॉब के, इसीलिए कहते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बच्चों को लेकर जाएं ताकि वो जॉब क्रिएट कर सकें। तो जहां हम पैरेलल बात करते हैं ना कि एक स्किल के लिए हम पैरेलल कैसे तैयार करेंगे बच्चों को, तो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अब हमारा डायरेक्शन जो है वो मुड़ गया है कि अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तैयार करें। अगर हम एक स्कूल लीडर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं इसमें, थैंक यू सो मच सबने जो है वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, और जब तक हमारी आपस में बातचीत नहीं हो पाती ना, मजा नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो वो खाली खाली चल रहा होता है। तो बहुत अच्छा सबने कंट्रीब्यूट किया। यहाँ एक बात मैं कहूंगी कि तकरीबन हमारी 12 स्किल्स हैं जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स के अंदर बात करते हैं। लर्निंग स्किल्स के अंदर वो 4 C's जो अभी किसी ने यहाँ पे कहा था कि जी 4 C's है हमारी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज अ स्कूल लीडर अगर हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी लीडरशिप में ये स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जो आज का लीडर है, जिसको आज का स्कूल चलाना है, जिसको आज के लर्नर के ऊपर जो है वो काम करना है, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग का होना क्यों जरूरी है, उसको चीजों को असेस करना है, उसको एनालाइज करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को असेस करके आगे सॉल्यूशंस देने, क्रिएटिविटी उसके लिए इसीलिए जरूरी है कि जो इनोवेशन का दौर है, जो चीजें हमारी बहुत तेजी से चेंज आ रही है, तो एज अ स्कूल लीडर अगर हम क्रिएटिव नहीं है, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते चेंज को, अगर हम चीजों में नए आइडियाज को लेकर नहीं आते, तो डेफिनेटली हम अपने स्कूल्स को, अपने लर्नर्स को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते, अपने स्टेक होल्डर्स को उसके लिए तैयार नहीं कर पाते। कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज आज क्लासरूम सिर्फ एक चार दीवारी नहीं है। गूगल क्लासरूम में के जरिए लोग एक क्लासरूम से बियॉन्ड the seas, हम दूसरे countries में classrooms के साथ connected है। तो ऐसे में अगर collaboration और communication हमारा strong नहीं होता तो हम अपनी बात नहीं कह पाते। तो अपने बच्चों को उसके लिए तैयार करने के लिए हमें कितना collaborations करने हैं, हमें बाहर की दुनिया से बच्चों का रابطہ बनाने के लिए पहले खुद उनसे रابطے करने हैं, खुद उनके साथ collaboration करनी है। तो एक 21st century
लीडर के लिए बहुत जरूरी है कि उसके फोर सीज भी जो बहुत स्ट्रांग हो। इसी के साथ साथ जब हम लिटरेसी स्किल की बात करते हैं तो अब हम जरा इसको लीडर के परस्पेक्टिव से देखते हैं, स्कूल लीडर्स के परस्पेक्टिव से। टेक्नोलॉजी, हम सब ने बात की टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, जूम क्लासरूम्स हो गई है, दुनिया जो है वो अब वर्चुअल हो गई है। और अगर हमें नहीं मालूम कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें मौजूद हैं टेक्नोलॉजी में और क्या इनोवेशन एक्सपेक्टेड है ताकि हम अपने आप को तैयार करें, तो हम एक अच्छा स्कूल लीड नहीं कर सकते। यहाँ पर फिर मैं रेफर करूंगी कोविड की सिचुएशन में, टेक्नोलॉजी पहले भी मौजूद थी लेकिन हम तैयार नहीं थे उसके लिए, हम एज अ स्कूल लीडर तैयार नहीं थे, हम एज अ स्कूल, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, इसलिए हम को मुश्किल हुई इसके ऊपर शिफ्ट लेने में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक और स्कूल लीडर के लिए लिटरेसी स्किल की आती है, वो मीडिया लिटरेसी आती है। मीडिया लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है कि उसको मालूम हो कि इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, बिकॉज आप इंफॉर्मेशन का समंदर है। तो एक स्कूल लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मीडिया लिटरेसी, के एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा एंड नॉलेज, और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कि किसको रिलाय करना है और किसको नहीं करना, ये एज अ लीडर हमारे अंदर अभी देख बहुत है। इसके साथ साथ जब हम एक और बात करते हैं वो इंफॉर्मेशन की है, डेटा हैंडलिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इंफॉर्मेशन हर जगह मौजूद है, सिर्फ सोर्सेस का पता होना काफी नहीं है, उन सोर्सेस में से हमें क्या एक्सट्रैक्ट करना है, किस चीज को कैसे फिर यूटिलाइज करना है। तो इंफॉर्मेशन में से सोर्सेस पता चल गए, डेटा सामने है, लेकिन अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता, उसको पढ़ना नहीं आता, उसको प्रोसेस करना नहीं आता और उसमें से जजमेंट्स निकालना नहीं आती, उसमें से एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हम नहीं निकाल पाते, तो हम इम्प्रूवमेंट की तरफ काम नहीं कर पाते। तो एज अ स्कूल लीडर जो हमारे अंदर स्किल 21st सेंचुरी की स्किल जरूरी है, उनमें और तमाम स्किल्स के साथ इंफॉर्मेशन और डेटा प्रोसेसिंग की स्किल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप आगे के मॉड्यूल्स में बात करेंगे तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी का जो मॉड्यूल है उसमें भी इसके ऊपर बात की जा रही होगी कि वो किस तरह से प्रोसेसिंग की बात होती है। और जब हम स्कूल इवैल्यूएशन की बात करेंगे ना, तब भी हम इसके ऊपर बात कर रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन डेटा फैक्ट्स स्टैटिस्टिक्स जो मौजूद है वो कैसे उनके सोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और कैसे उनको यूज किया जाता है फॉर बेटरमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, और हम जब लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी। हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं है, हम अडेप्टेबल नहीं है, हम रिजिड है, तो क्या होता है कि हम एक ही ट्रैक पर चल रहे होते हैं और हम कुछ नया नहीं कर पा रहे होते, अपने काम को खुद इवेल्युएट नहीं कर पा रहे होते। फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर एक बड़ी जरा मुश्किल चीज है जो कि हम को देखनी पड़ती है, और वो मुश्किल चीज ये है कि हमें खुद अपने आप को ये कहना पड़ता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं इसके बेहतर ऑप्शंस भी हैं करने के। तो ये एक्सेप्टेंस पहले हमारे अंदर बड़ी जरूरी हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी में कि हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सके, जैसे कि ग्रिट की किसी ने अभी बात की थी कि हम बेहतर से बेहतर की तरफ जाते हैं। हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी में, हमें अपने आप को ये भी क्वेश्चन करना पड़ता है कि, और ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ जी ये गलत हो गया और अब इसको बेहतर करने की जरूरत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी जरा अपने आप को क्वेश्चन हम मुश्किल से कर पा रहे होते हैं, अपने आप पे सवाल मुश्किल से कर पा रहे होते हैं और हम समझते हैं कि जी हम जो कर रहे हैं बस वही एक सही तरीका है करने का। तो फ्लेक्सिबिलिटी एज अ लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्कूल लीडर हमारे पास। लीडरशिप में मोटिवेशन इन्फ्लुएंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव्स, कुछ नया करना, अपनी सराउंडिंग्स में कुछ बेहतर करना, उसके लिए स्टैंड करना, ये एज अ स्कूल लीडर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी, आज का दौर बड़ा डिस्ट्रैक्शन का दौर है, हम बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रैक्टेड हैं, कभी ये कभी ये कभी वो। जहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए सॉल्यूशंस लेकर आई है, वहां टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी साथ लेकर आई है। तो लिविंग इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, हम कैसे प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक 21st सेंचुरी लीडर के लिए कि उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करना है। और उसी के साथ साथ जो सोशल स्किल्स हैं हमारे, कोलैबोरेशन तभी होगी जब हम
जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ सोशल होंगे, जब हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, जब हम दूसरे की बात सुनेंगे, अपनी बात कहने से पहले उसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, तो सोशल स्किल भी बड़ी ही इम्पोर्टेंट हो गई है हमारे स्कूल लीडर्स के लिए। तो बिल्कुल सही आप सबकी बात कि 21st सेंचुरी बच्चों को बनाने के लिए हमें लीडर्स भी उसी तरह से 21st सेंचुरी के चाहिए। क्या है स्कूल लीडरशिप? व्हाट, व्हाई, हाउ? लीड क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है? सबसे पहले ये सवाल जरूरी है कि क्यों करना चाहता है। क्या करना चाहता है पता चल गया, गोल सेट कर लिए, पर करना क्यों चाहता है? ऐसी क्या चीज है जिसको वो इम्प्रूव करना चाहता है? ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर उसका फोकस है? तो क्या वो फिलॉसफी और उसकी जो उसका जो विजन है वो कहाँ उसको लेके जा रहा है, क्यों वो उसकी तरफ जा रहा है? और फिर एक प्लान बनता है जिसमें कहते हैं कि फिर अब करेंगे कैसे, होगा कैसे। अब मैं ये कह रही हूं कि जी हम करना चाहते हैं, हमारा गोल है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एक स्कूल लीडर का गोल है कि हमारे बच्चे जो हैं उनके बड़े अच्छे ग्रेड्स आए और वो स्किल्ड हो। हम ये क्यों चाहते हैं? ग्रेड्स आए, वो स्किल्ड हो, हम वो क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाहते हैं कि वो एक अच्छे शहरी बनकर सामने जाए, वो स्किल्ड हो, वो अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बना सके। हम इसलिए ये चाहते हैं कि जब वो यहाँ से निकल के बाहर जाएं तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके, ये हमारा एम है, ये हमारी वजह है करने की। तो फिर उसी के हिसाब से हमारे पीछे स्टेप्स जा रहे होंगे कि हम कैसे पहुंचेंगे, अपने बच्चों को कैसे तैयार करेंगे वहां पहुंचाने के लिए। तो एक 21st सेंचुरी स्कूल लीडरशिप के अंदर जो स्किल्स हैं उन सब को यूज करते हुए उसको व्हाट, व्हाई और हाउ के जवाब देने पड़ते हैं। क्या क्या काम है स्कूल लीडर के? टैलेंट डेवलपमेंट, टीम को इंस्पायर करना, बच्चों को इंस्पायर करना, उनको ग्रूम करना, अपने टीचर्स को ग्रूम करना, अपनी कम्युनिटी को ग्रूम करना, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना। क्योंकि अब जब हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जब हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठे हैं, जब हम कहते हैं कि अब क्लासरूम सिर्फ चार दीवारी नहीं रह गई है, बियॉन्ड द लिमिट्स है, तो फिर डाइवर्सिटी भी है, फिर अलग अलग ख्यालात भी हैं, फिर अलग अलग कल्चर के लोग हैं जिनके अलग अलग माइंड सेट है। तो हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करें और उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें और जो अच्छा है उसको सीखें। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में है, फोर सीज हमारे साथ साथ है, 21st सेंचुरी की जो 12 स्किल्स है उनमें जो कोर है वो ये फोर सीज है। इन फोर सीज के ऊपर अगर हमें कमांड हो जाता है तो हम उन 12 के ऊपर बहुत आसानी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको एनहांस कर सकते हैं। लिटरेसी वन ऑफ द कंपोनेंट जो हमने पहले डिस्कस किया। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, जो कि एक स्कूल लीडर को देखने की जरूरत होती है, वो है स्टूडेंट वॉइस एंड चॉइस। हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम बच्चों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखा जाता, जो सिलेबस में है वो वैसे ही हो रहा है, जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही बच्चे ने करना है। अब अगर बच्चे की वॉइस और चॉइस को हम किसी कंपोनेंट को पढ़ाने में शामिल रखते हैं, अपने क्लासरूम में, अपने स्कूल में, अपने स्कूल में जब हम एक कल्चर बनाते हैं कि लोगों से मशवरा किया जाएगा, लोगों की बात सुनी जाएगी, बच्चों की भी बात सुनी जाएगी, टीचर्स की भी बात सुननी जाएगी, तो वो जब एक कल्चर बनता है तो एक ओनरशिप आती है, और जब ओनरशिप आती है तो हर एक शख्स बेटरमेंट की तरफ अपना स्टेप ले रहा होता है। तो जब वॉइस एंड चॉइस का हम ख्याल रखते हैं, चाहे स्टूडेंट्स की चाहे बच्चों की, स्टूडेंट्स की खासतौर पे जब हम लेकर जा रहे होते हैं, तो वो जो हमारे कंसर्न्स होते हैं ना कि बच्चे काम नहीं कर रहे, बच्चे सुनते नहीं है, हम क्वालिटी को कैसे इंश्योर करें, गुड टीचिंग एंड लर्निंग मैकेनिज्म कैसे बनाए, उसमें हमारा अगर एक भी पिलर पीछे है तो हम उसको अचीव नहीं कर सकते। तो जब हम शामिल लेते हैं किसी भी काम के अंदर, तो हमारे स्कूल 21st सेंचुरी स्कूल लीडर के लिए वो काम करना बड़ा आसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है, इक्विटी एंड क्वालिटी इन स्कूल्स। मैं यहाँ पर दोबारा से आप सबसे क्वेश्चन करना चाहूंगी,
कि इक्विटी और क्वालिटी को हम क्या रहते हैं, इक्विटी और क्वालिटी का क्या रिलेशनशिप है, कोई आइडिया है इक्विटी क्या है? जी कमर साहब कहना चाह रहे हैं कुछ? कमर साहब कहना चाह रहे हैं? जी मैम, बेसिकली देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, वन इज इक्वालिटी एंड अदर इज द इक्विटी। तो जो इक्विटी है मैम, ये इक्वालिटी सी थोड़ा सा यानी कि अपग्रेड है। जैसे कि मतलब इक्वालिटी है कि आप हर एक 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 चीज देते हैं, यानी कि सबको अगर चाहिए तो, मगर जब इक्विटी के बेस पे आती है तो हमने वहां पर देखना है कि व्हाट इज द जस्टिस, कि जस्टिस की बेस पे कौन सा ऐसा एरिया है या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सी ऐसी डायमेंशन है कि जो के पीछे रह रही है, और अगर हम किसी और को ना भी दें तो वहां तक पहुंच सकता है। तो लिहाजा इक्विटी के बेस पे हम जो ऐसा एरिया कि जहां पर ज्यादा चीज चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस, तो हम वहां पे जो प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो भी बाकी एरियाज के मुताबिक एट पार आ सके। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ तो इक्विटी को अगर हम समझना चाहें कि इक्विटी और क्वालिटी स्कूल के अंदर क्या होती है, तो ये एक बड़ा ओवरलैप सा जो है वो वर्ड है और एक कॉन्सेप्ट है। इक्विटी के बगैर क्वालिटी मुमकिन नहीं है स्कूल के अंदर। एक स्कूल लीडर के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो एड्रेस करे तमाम बैरियर्स को जो कि बच्चे फेस कर रहे हैं, ताकि वो क्वालिटी को इंश्योर कर सके। इसको सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें, और इक्विटी से पहले इसको समझने के लिए हमें इक्वालिटी को समझना पड़ेगा। इक्विटी की तरफ आने से पहले हम इक्वालिटी की बात करें। अगर हम इस स्लाइड में देखते हैं इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, इक्वालिटी क्या कहती है? इक्वालिटी कहती है कि सबको एक से मवाक, सबको एक सा काम, सबके लिए एक से चैलेंजेस, सबके लिए एक सा फोकस, ये इक्वालिटी है। और हम बहुत फखर से ये बात कह रहे होते कि जी हम बराबरी से सब बच्चों का ख्याल रखते हैं, सब बच्चों को एक सा ख्याल रखते हैं, सब बच्चों को एक तरह से लेके चलते हैं, हमारे स्कूल में इक्वालिटी का माहौल है। जबकि इक्विटी हमसे ये कहती है, इक्विटी अडेप्टेबल है, इक्विटी इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस करती है, ग्रुप फोकस नहीं है। एक ग्रुप में एक हर बच्चे की अपनी 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 नीड है। तो इक्वालिटी कहता है कि जितने क्लास क्लास फोर के सपोज सारे बच्चे हैं, उन सबको इक्वल राइट्स है, उनके पास एक तरह का काम है, उनके पास एक तरह की सेटिंग है, सबको इक्वल तरह का चैलेंज दिया है हमने, एक तरह का पेपर है, इक्वल चैलेंज है सबके पास। जबकि उन बच्चों की अपनी मेंटल कैपेसिटी डिफरेंट हो सकती है, उन बच्चों के मजीद चैलेंजेस डिफरेंट हो सकते हैं। सिर्फ मेंटल कैपेसिटी या लर्निंग कैपेबिलिटी ही नहीं होती, बल्कि हर इंडिविजुअल के साथ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी जुड़े हुए होते हैं जो कि उसकी कैपेसिटी को, उसकी पोटेंशियल पे इफेक्ट डाल रहे होते हैं। तो अगर हम एक क्लास में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी स्लो है या जिसकी कैपेसिटी थोड़ी सी पीछे है, वो उसको उसी टाइम अंदर नहीं कर। जबकि जब हम इक्विटी की बात करते हैं, उसमें हम इंडिविजुअल फोकस्ड होते हैं, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैलेंजेस होते हैं टास्क में, एक ही टास्क हर बच्चे के लिए नहीं होता। ये बिल्कुल इसी तरह से बात है कि एक बड़ी अच्छी सी एक तस्वीर थी, फेसबुक पे भी बड़ी चली थी और आप लोगों ने भी देखी होगी, कि जी तमाम एक बंदर भी खड़ा है और हाथी भी खड़ा है और जिराफ भी खड़ा है और मछली भी एक फिश टैंक में अंदर है, और सबसे कहा जा रहा है कि दरख्त चढ़ो। बड़े मजे की एक पिक्चर बहुत चली थी। तो ये है वो डिफरेंस जिसमें हम हर एक सी उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी, उसकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी को बालाए ताक रख के हम सबको एक ही सा टास्क दे देते हैं, तो वो इक्वालिटी होती है। और डेफिनेटली उनमें से कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता, उसकी कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। और इक्विटी ये कहती है कि सबको उसकी उसके लिमिटेशंस को सामने रखते हुए टास्क असाइन किया जाए। तो जब हम अपने स्कूल में हम इक्विटी को इंश्योर करते हैं, तब हम क्वालिटी लेकर आ पाते हैं। साजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हाथ रेस किया है अपना, अनम्यूट करेंगे प्लीज साजिद साहब को। थैंक यू।
How can it be possible in school context and in our classroom context that we can give equity? Because we will have to cover the course, the syllabus, we have exams on the same dates, our students sit in the same exams, and even if we do it at school, so what will they do then at the board examination and these things? बिल्कुल ऐसे ही. Thank you. Thank you so much, Sajid sir. सवाल बिल्कुल expected है. देखें, equity जो है, जब within the classroom teaching and learning हो रही होती है, आप अगर उसको examination में लेकर जाना चाहें, वहाँ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम वहाँ ना भी लेकर जाएं, वहाँ आप same paper दे रहे हैं. लेकिन अगर जिस वक्त टीचिंग एंड लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है, उस वक्त अगर हम बच्चों को उनकी एबिलिटीज के हिसाब से टास्क असाइन करते हैं, जो आपका शार्प बच्चा है, जो कि स्ट्रॉन्ग लर्नर है, जो फास्ट लर्नर है, हम उसको भी वही एक काम पकड़ा देते हैं, और जो स्लो लर्नर है, हम उसको भी वही एक टास्क देते हैं. सारे बच्चों ने ग्रुप में बैठ कर ये वर्कशीट करनी है, ठीक है, सारे बच्चों ने या इंडिविजुअल ये वर्कशीट करनी है. अब वो जो वर्कशीट बच्चे ने करनी है, जिसके अंदर उसका लर्निंग प्रोसेस बढ़ रहा है, वो बच्चा अगर वर्कशीट जो शार्प बच्चा है, जो फास्ट लर्नर है, जो कि तेजी से चीजों को कर पाता है, हमने उसको भी वही वर्कशीट दी. उसके साथ हमने ज्यादती ये की कि उसके ग्रेड से नीचे की वर्कशीट है, तो हमने उसके दिमाग को चैलेंज करके पुश करने का, इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया. अगर हमने एक वर्कशीट जो है वो उस बच्चे के लेवल पे बनाई है, क्योंकि फास्ट लर्नर है, जो शार्प है, जो चीजों को जल्दी एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो बच्चा जो देर में समझता है चीजों को, वो बच्चा जिसको थोड़ा टाइम लेता है समझने में, उसके साथ ज्यादती हो जाती है. तो इक्विटी को हम विद इन द क्लासरूम प्रैक्टिस, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं, उस वक्त केटर कर सकते हैं, जब हम वर्कशीट्स बना रहे हैं, जब हम डिफरेंट टास्क दे रहे हैं. अब हमने एक बात कही, एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि एक लेसन पढ़ाया, और लेसन पढ़ाकर हमने ये कहा कि सब बच्चे जो हैं अब एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और वो ऐसे जो है वो दो पैराग्राफ का होगा. अब सब बच्चों का एक टास्क है दो, वो बच्चा जो दो पैराग्राफ का ऐसे विद इन सेकेंड्स लिख लेता है, दो मिनट में, तीन मिनट में, पांच मिनट में करके वो आपके सामने ले आता है, उस बच्चे के लिए भी ये हमारी तरफ से उसके साथ भी ज्यादती है, क्योंकि हम उसको नया कुछ करने का मौका नहीं दे रहे. उसमें जो उसको आता है वो फटाफट उसके अंदर कर रहा है. जब तक हम चैलेंज नहीं देते, तब तक झगड़ा नहीं आता, तब तक इनोवेटिव नहीं होते, तब तक क्रिएटिविटी नहीं आती. और वो बच्चा जिसको नहीं लिख पा रहा, उसको भी ये बाउंडेड है कि उसको दो पैराग्राफ का ऐसे लिखना है. अभी वो बच्चा सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स ठीक नहीं कर पाया, अभी वो बच्चा अपने आइडियाज को आर्टिकुलेट करके पेपर पे लाने के काबिल नहीं हुआ. तो मकसद हमारा अगर सिर्फ यही टास्क है, अब इस टास्क को हम ऐसे दे सकते हैं क्लासरूम के अंदर, कि कुछ बच्चों को जिसको हमें लगता है कि ये बच्चा क्या नाम है, ऐसे पूरा नहीं लिख सकता, तो बजाय हम ये कहने के, हम कहते हैं कि जी आपको इस टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज शेयर करने हैं. सही, आइडियाज शेयर करने के लिए आप पैराग्राफ्स में लिखें, आप सेंटेंसेस में इस बात को लिखें. आपको लगता है कि आप पिक्चर्स के थ्रू अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं, आप पिक्चर के थ्रू अपना आइडिया शेयर करें, और उस पिक्चर का एक कैप्शन दे दें, उस पिक्चर का एक नाम दे दें. तो क्या हुआ, वही सेम टास्क डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कर रहे हैं. तो वो बच्चे जो पूरे पूरे जुमले अभी नहीं लिख पाते, शायद वो तस्वीर बना पाते हैं अच्छी, और तस्वीर बना के वो एक कैप्शन में अगर अपनी बात कह पा रहे हैं, तो उस तस्वीर से वो जाहिर हो जा रहा है, तो उनको भी एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है कि हमने कुछ किया. वो बच्चा जो कि बियॉन्ड द लिमिट्स जा रहा है, तो वो भी इस तरह से कर सकता है कि वो पैराग्राफ्स में अपनी चीजों को, जाहिर है वो कंफर्टेबल है, लिख रहा है, और चाहे तो उसके ऊपर वो एडिशनल पिक्चर्स भी ऐड करे, वो उसके अंदर कैप्शंस भी ऐड करे, तो उसको मजीद अपनी लिखाई को निखारने में जो है वो मौका मिलेगा. और वो बच्चा जो एक मीडियोकर बच्चा है, तो वो उसी चीज को सिंपल सेंटेंसेस में करके अपनी बात को कह देगा, या पैराग्राफ की सूरत में खाली कह देगा. तो वो सिमिलर टास्क को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडन कर देते हैं,
तो उसमें कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो चेकर जो है या बच्चा जो है अप्लाई करते वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही नहीं कि उसको दो पैराग्राफ लिखकर और खत्म कर देना, बल्कि अब वो नए नए आइडियाज लेकर जाएगा और जिसको जो कंफर्टेबल होगा वो उसके हिसाब से काम करेगा। मकसद हमारा यह है कि बच्चा लिखने के काबिल हो। एसेज लिखने का क्या मतलब है कि बच्चा अपने आइडियाज अपने थॉट्स को पेपर पे ला सके। तो अगर पहले स्टेप से ही हम उसको मुश्किल काम दे रहे हैं तो भी उसके लिए मुश्किल है, वो आगे एफर्ट नहीं करेगा। जब सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगी तो अगली बार एक लाइन से दूसरी लाइन लिखने की कोशिश करेगा। और अगर हम मतलब इस तरह से अगर हम टास्क देते तो बच्चे जो है वो अकम्प्लिश फील कर रहे होते हैं, चैलेंजेस को लेना, एक्सेप्ट करना और इनोवेशन फील कर रहे होते हैं। आई होप साजिद साहब आपको इसका जवाब मिला होगा। अच्छा जी, तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें डिफरेंशिएटेड टास्क हम बच्चों को दे रहे हैं उनकी एबिलिटीज के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि वो जब आगे एग्जाम्स में जाएं तो इतने स्किल्ड हो चुके हों, वो इतने पॉलिश हो चुके हों। वरना अक्सर बेशतर हम क्या देखते हैं, इक्वालिटी के चक्कर में हमारा बच्चा एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते भी एक जुमला लिखने के काबिल नहीं हो पाता और अल्टीमेटली वो सिर्फ रोट लर्निंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर और एग्जाम दे के पास हो जाता। तो क्या उसके साथ हम क्वालिटी, फिर हम कहते हैं कि क्वालिटी हमने दी है बच्चे को, क्योंकि उसकी लर्निंग तो हुई नहीं, उसकी स्किल तो बनी नहीं, वो आर्टिकुलेट तो कर ही नहीं पाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो हम बात कर रहे थे कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं हमारे पास और कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो जब हम एक चैलेंजिंग, जब हम एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की बात है, जैसे देखिए यहाँ पर एक मजेदार पिक्चर भी तोड़ना है। अब एक बच्चा जो छोटा है कद में, उसके लिए भी वही स्टोन है जिसके ऊपर वो खड़ा है, और एक बच्चा जिसका कद बड़ा है वो आराम से दरख्त पर से फ्रूट जो है, एप्पल जो है, वो तोड़ पा रहा है। जबकि इक्विटी की हम बात कर रहे हैं तो बच्चे के मुनासिबत से हमने उसके स्टोन्स या जो हमने उसके स्टूल्स रखे हैं ताकि हर बच्चा उसके ऊपर चढ़े और वो टास्क कंप्लीट करे और उसको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिले, ठीक है। जब हम इक्विटी की और इक्वालिटी की बात करते हैं स्कूल्स के अंदर, इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं स्कूल के अंदर, तो इंटरनल फैक्ट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं हमारे साथ, जिसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फैमिली क्राइसिस का करता है। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। अगर कोई बच्चा किसी फैमिली क्राइसिस से आ रहा है, उसकी लर्निंग एबिलिटी, उसकी स्किल्स दूसरे बच्चों से जो कि एक हेल्दी फैमिली बैकग्राउंड के हैं, जिनके अंदर जो रिक्वायर्ड इमोशनल बॉन्डिंग है वो मौजूद है, वो बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वो बच्चा ज़्यादा अडेप्टिंग है, वो बच्चा ज़्यादा शार्प है, वो बच्चा ज़्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है। जबकि एक ऐसा बच्चा जो कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड कहीं क्राइसिस है, कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट है, वो बच्चा अंडर कॉन्फिडेंट होता है, वो बच्चा अपनी बात कहने से डरता है, वो शाय होता है। तो ये डिफरेंस आता है हमें जब हम इंक्लूसिव लर्निंग की बात कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये चैलेंजेस होते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे स्कूल्स के अंदर मौजूद होते हैं जिनको हम डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंदर शुमार कर रहे होते हैं। तो क्या अगर हम उनको भी उसी तरह का टास्क देंगे तो वो बच्चे किस तरह से कर पाएंगे? लैक ऑफ हेल्थ केयर हमारे सिनेरियो में, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ हेल्थ केयर के मसाइल भी बड़े हैं। बच्चे स्कूल जो है वो भूखे आ रहे होते हैं, अगर आप बहुत सारी जगह हम देखें, होमलेस स्कूल्स हैं, टेम्प्रेरी शेल्टर्स हैं, लैंग्वेज का बैरियर हमारे यहाँ कितना बड़ा है। अब अगर पाकिस्तान की हम बात करते हैं, अपनी कंट्री की हम बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है कि हम उर्दू बोलते हैं, यहाँ हम इंग्लिश बोलते हैं। हमारा बच्चा एक क्लास के अंदर मल्टी लिंगुअल जो है वो कॉन्टेक्स्ट का है। घर में उसके कुछ बोला जाता है, स्कूल के अंदर कुछ बोला जाता है और टेक्स्ट बुक्स कुछ और बोलती हैं। सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो भी वहाँ पे बाइलिंगुअल है, उर्दू मीडियम स्कूल है तो भी वहाँ पर उसको इंग्लिश तो पढ़नी ही है एज अ लैंग्वेज, और घर के अंदर उसके शायद पंजाबी, पश्तो, बलोची, बराहवी, हिंद को बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती। तो एक बहुत बड़ा बैरियर लैंग्वेज का भी है। तो अगर हम एक ही यार्ड स्टिक से हर बच्चे को चलाने की कोशिश करेंगे
एक ही यार्ड स्टिक से उनको गेज करेंगे और एक ही यार्ड स्टिक से उनको सिखाएंगे। गेज हम एक यार्ड स्टिक से करें, लेकिन कम अज कम उनको सिखाने के लिए, सीखने में तो सपोर्ट दें। अगर सीखेंगे भी हम एक ही यार्ड स्टिक पर बिठा कर उनको सिखाएंगे तो वो कैसे सीख पाएगा, वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? उसके बैरियर्स तो उसको रुकावट डालते रहेंगे, वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें बच्चों के लिए क्लास के अंदर, कि जिसके अंदर मुख्तलिफ लैंग्वेज से अगर बोलने वाला बच्चा है उसके पास अपॉर्चुनिटी अपनी बात कहने की, मुख्तलिफ क्राइसिस से बच्चे आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी उनकी इंडिविजुअलिटी को दिमाग में रखते हुए। ये टास्क ऐसा नहीं है कि हर बच्चे का अलहदा अलहदा, हमारे पास ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं और एक टास्क एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्दी होता है। और जरूरी नहीं होता कि अगर वो टास्क हमने ये सोच के बनाया कि ये स्लो लर्नर्स हैं या वो बच्चे जो इतने कॉन्फिडेंट नहीं कर सकते, वो चाहे तो कोई दूसरा बच्चा भी अडॉप्ट कर ले। एक ओपन अपॉर्चुनिटी हो बच्चे के पास कि वो जैसे चाहे उस टास्क को कर रहा हो, तब हम एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट पैदा कर रहे होते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हाँ अब अगर मैंने अचीव किया है तो मैंने सीख कर अप्लाई करके अंडरस्टैंड करके रोट लर्निंग के साथ नहीं अचीव किया। क्वालिटी तभी आएगी जब बच्चा अपनी सीखी हुई नॉलेज को अप्लाई कर सकेगा, रिक्रिएट कर सकेगा, उसको 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 इनोवेट कर सकेगा। इसके ऊपर कोई सवाल है? देखें यही सारी बात जो हम क्या कर रहे थे कि इसका फायदा क्या होगा। अच्छा जी, सादिया जो है हमसे कुछ कहना चाह रही है, सादिया को अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी सादिया, सादिया वालेकुम अस्सलाम। जी सादिया, हेलो। जी जी सादिया जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए सादिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैम, सेम यही सिचुएशन जो है मेरे साथ ही हुई थी कि मैं क्लास में मैंने वर्कशीट बच्चों को दी थी, तो फिर वो मतलब मैंने उनको वर्कशीट दी तो ये हुआ कि उसमें एक बच्चा नहीं कर पा रहा था। अब जैसे कि आपने कहा कि वो जो बच्चा जो है उसके पीछे कोई कोई ऐसे क्राइसिस काम कर रहे होते हैं, कुछ ऐसी चीजें काम कर रही होती हैं, तो मैंने उनकी टीचर से बोला, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए गई थी तो मैंने उनकी टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा कि इनके जो पेरेंट्स हैं, जो इनके पेरेंट्स जो हैं वो इलिटरेट हैं, वो लिटरेट नहीं है। दैट्स व्हाई उसको मैंने इंडिविजुअली वो वर्कशीट करवाई। और यानी कि सेम ये जो आप जो बात कर रही हैं, मतलब जो आपने डिस्कस किया सेम वही हो रहा था उसके साथ कि सारे बच्चे करके बैठे हुए थे लेकिन वो बैठा हुआ था, तो मुझे ना मतलब इंटरनली वो हुई फील हुआ, तो मैंने उसके पास जाके उसको वो वर्कशीट करवाई। और डेफिनेटली वो इतने हार्ड वर्ड्स थे कि वो बच्चे ने कलेक्शन प्रेसिपिटेशन और वाटर साइकिल था जो कि वो वहां पर वर्कशीट हो रही थी, तो आपने मतलब मैं इस चीज से एग्री करूंगी कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यानी कि बच्चों के पीछे जो है कुछ चीजें काम कर रही होती हैं जो वो नहीं कर रहे होते उस चीज को। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने नोट्स किया इस बात को कि अब क्या होता है। बिल्कुल सादिया की बात देखिए, अब उस बच्चे की अगर हम सिचुएशन लेते हैं जो जिसकी अभी सादिया ने बात की कि एक क्लास के अंदर तमाम बच्चों ने जो है वो वर्कशीट अटेम्प्ट कर ली, वो एक बच्चा अकेला बैठा है और टीचर उससे कह रही है कि जी आपने अभी तक की नहीं, क्यों नहीं की अभी तक, चलो जल्दी करो, चलो जल्दी करो। वो बच्चा ऑलरेडी इस परेशानी का शिकार है कि उसको घर से कोई सपोर्ट नहीं है, उसके पेरेंट्स इलिटरेट है। प्रेशर देते हैं बाकी बच्चों को, पेरेंट्स के साथ सपोर्ट है, वो उनको हेल्प कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, उनके पास एक्सपोजर है घरों में। जहां जहां इलिटरेट पेरेंट है ना, वो बच्चे को उतना टाइम दे पा रहे हैं क्योंकि वो तो सुबह निकलेंगे शाम को दाखिल होंगे अपने कामों से, ना उनके पास अपना एक्सपोजर है कि वो बच्चों को दे सके, तो उसमें उस बच्चे को हम मजीद अंडर कॉन्फिडेंट कर रहे हैं।
और फिर जब हम ये बात कर रहे हैं कि एज अ स्कूल हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं, तो फिर वो बच्चा भी तो उसी स्कूल का पार्ट है, फिर उसकी क्वालिटी का क्या हुआ? तो जब हम इंडिविजुअलिटी के ऊपर जाएंगे तो हमें हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस मिलेगी, हमें अच्छे रैंक्स मिलेंगे, अच्छे ग्रेड्स मिलेंगे। जब हम इंडिविजुअलिटी पे जाएंगे तो बेटर हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारी बेहतर होगी, फिजिकल हेल्थ भी बेहतर होगी, क्योंकि अगर हम एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी एक हेल्दी माइंड, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो एक बच्चे को जब सेल्फ ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी, जब उसको लगेगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, तो जो उसकी एक उसके अंदर जो लगन पैदा होगी, उसके अंदर जो आगे बढ़ने का हौसला पैदा होगा, वो उसको मेंटली भी स्टेबल करेगा और डेफिनेटली वो उसकी हेल्थ के ऊपर फिजिकली भी असर डालेगा। और ऐसे करने से क्या है गया? एक स्ट्रॉन्ग सोशल एटमॉस्फेयर बना, वो बच्चे जो 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 नहीं कर पा रहा था और बाकी बच्चे कर पा रहे थे, उनके बीच में एक डिसकनेक्ट आ गया। अब हर बच्चा उसको ये ही देख रहा होगा कि जी ये बच्चा नहीं कर पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, ये तो हमेशा ग्रुप बैठ जाता है, भाई तुम नहीं कर सकते, जाओ जाओ तुम हमारे ग्रुप में नहीं बैठो। तो वो जो हम कहते हैं कि एक साथ मिलके, एक साथ बैठ के कोलैबोरेशन, एम्पथी, जो आजकल बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ मिलकर बैठना, एम्पथी, एक दूसरे का ख्याल, दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना, उस किसी इंसान को उसकी कमी के साथ एक्सेप्ट करना, ये वाली चीज, तो हमारा एक स्ट्रॉन्गर सोशल एटमोसफियर बनता है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, और डेफिनेटली इन सारी चीजों के बाद क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रोथ मिलेगी, हमें भी मिलेगी एज अ स्कूल मैनेजर, एज अ स्कूल लीडर। जब हमारे पास से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जब हमारे पास से अच्छे रिजल्ट्स के साथ बच्चा क्वालिटी के साथ बाहर जा रहा होगा, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी जब बाहर से हमारे पास एडमिशन आएंगे उसके तौर पर, और उस इंडिविजुअल की भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हम कितना पार्ट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको स्किल के साथ बाहर निकाल रहे हैं, सिर्फ डिग्री के साथ बाहर नहीं निकाल रहे, उसको स्किल के साथ उसकी लर्निंग को एनहांस करके हम बाहर लेकर जा रहे हैं। चलिए जी, अब इसमें आगे पढ़ते हैं, इंक्लूसिव लीडिंग एनवायरनमेंट जो है वो हम कैसे बनाएं, ये इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत है। अगर हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हर बच्चा डिफरेंट है और उसकी नीड डिफरेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छोटा बच्चा जो कि जिसके अभी दांत नहीं निकले, हम उसको सॉलिड नहीं देते, वो खा ही नहीं सकता, ठीक है ना। बड़ा बच्चा जो सॉलिड खा सकता है, अगर आप उसको सिर्फ दूध के ऊपर रखेंगे तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो यही चीज है कि हम हर इंडिविजुअल को डिफरेंट समझना है और उसकी जो यूनिक नीड है उसको खातिर में रखना है। ऐसा एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना है कि बच्चों को ये लगे कि मुझे सुना जा रहा है। हम एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जी ये करना है, कोई ऑप्शन नहीं होता। अब मेरा दिल चाह रहा है या नहीं चाह रहा, मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वही करना है। अगर हम एक ब्रॉडर ऑप्शन देते हैं, जैसे अभी मैंने कहा कि भाई इसके बारे में अपना इजहार ख्याल करें, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर अपने आइडियाज शेयर करें, और वो आइडियाज कैसे भी हों, तो अब बच्चे को एक सेंस ऑफ एक ऐसी फीलिंग आएगी कि जी मुझे सुना जा रहा है, मुझे अहमियत दी जा रही है, मैं जो भी बनाकर लेकर जा रहा हूँ टीचर उसे एक्सेप्ट कर रही है। तो ये एनवायरमेंट जब हम स्कूल अपने स्कूल के अंदर, तो हमारी जो लर्निंग है वो बेहतर होती चली जाती है। हमारी कम्युनिकेशन पेरेंट्स के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो आए और एज अ पार्टनर हमारे साथ बच्चों की लर्निंग का हिस्सा बने? हम मोस्टली पेरेंट्स को क्लाइंट्स के तौर पर तसव्वुर करते हैं कि जी ये है, ये पैसा दे रहे हैं और इनके बच्चे हैं और हमें इनको पढ़ाना है। हम पेरेंट्स को एज अ पार्टनर, एज अ कम्युनिटी अपने साथ शामिल नहीं करते, जिसकी वजह से एक अजीब सी कश्मकश है। पेरेंट आकर कहता है कि टीचर अपना काम ही कर रही, और टीचर कहती है कि जी हम स्कूल से भेज देते हैं, पेरेंट तो कुछ देखते ही नहीं। नुकसान किसका हो रहा है? उस बच्चे का हो रहा है जो स्कूल के अंदर मौजूद है। तो जब पेरेंट टीचर एक साथ मिल के स्कूल के अंदर काम करेंगे, तो हमारा एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरमेंट होगा। बच्चे को पेरेंट की, उस बच्चे की जरूरियात घर की तरफ से और लर्निंग की जरूरियात टीचर, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक बेहतर मॉडल जो है वो हम बना पाते हैं। बहुत जरूरी है कि टीचर्स को इक्विटी के बारे में ट्रेनिंग करवाई जाए। एज अ स्कूल लीडर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम एक इक्विटी एनवायरमेंट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारा टीचर ही तैयार नहीं है, अगर हमारे टीचर को ही नहीं मालूम कि उसको क्रिएट कैसे करना है,
तो उसके ऊपर टीचर्स की ट्रेनिंग को जो है वो देखा जाए और करिकुलम को उसके साथ फिट इन करने की कोशिश करें हम, जो स्कूल की एक्टिविटीज है वो इंक्लूसिव हो, स्कूल की एक्टिविटीज में वेरिएशन हो, डिफ्रेंसिएशन हो, बच्चों के हिसाब से हो। अब हर बच्चे ने आकर प्रेजेंटेशन ही देनी, अब मेरी एक्टिविटी है कि जी किसी को प्रेजेंटेशन नहीं देनी, अगर कोई आकर फ्रंट पे बात नहीं कर रहा और प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा तो क्या कोई और ऑप्शन नहीं है उसे अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस करने का? तो स्कूल की एक्टिविटीज में, करिकुलम में ऐसे ऑप्शंस को इंक्लूड किया जाए कि बच्चे के पास ये चॉइस हो कि अगर वो अपनी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात लिख कर बताना चाहता है लिख के दिखा दे, उसको लगता है कि वो सामने आके सबको चार्ट्स के थ्रू पावर पॉइंट के थ्रू बताएगा वो वैसे बता दे, अगर उसको लगता है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा है इसको वो किसी मॉडल के थ्रू बनाकर दिखाना चाहता है वो मॉडल बनाकर दिखा दे। तो इस तरह की जब हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, तो हम इंक्लूशन की तरफ जाते हैं, तब हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं। तो इक्विटी के बगैर क्वालिटी स्कूल के अंदर लाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। इक्वालिटी हमारी हमें लिमिट कर देती है, हमें ग्रो नहीं करने देती। तो जैसे अभी बात हुई थी कि 21st सेंचुरी लर्निंग में जो ग्रोथ माइंडसेट है, जिसमें रिस्क टेकिंग, जिसमें इनोवेशन, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कब आएगी? जब हम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे होंगे क्लासरूम के अंदर, कैसे बना पाएंगे फिर हम 21st सेंचुरी लर्नर्स? ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि अगर किसी को अब क्वेश्चन आंसर्स है और वो डिस्कशन करना चाह रहे हैं तो वो डिस्कशन करें, फिर कोई क्वेश्चन है तो हम पूछें और हम इस बात को यहाँ पर क्लियर करके उठें कि अगर हमारे पास आज के टॉपिक से लेकर किसी के पास कोई क्वेश्चंस हैं। जी कमर साहब कुछ कह रहे हैं। जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कहिए। जी जी कहिए। जी मैम, आई हैव अ क्वेश्चन एंड दैट इज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इक्विटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड आवर क्लासरूम टीचिंग। उसमें that was that equity, that equity helps in economic growth. Can you comment on this जी point जी. how equity can help जी. in economic growth of a child? जी, economic growth of a child की अगर हम बात करते हैं, जब हमारा बच्चा जब हम उसको equity और inclusive learning environment देते हैं तो उस inclusive learning environment में उसकी जो learning है वो बेहतर होती है, बेहतरीन होती है, उसके skills जो है वो पूरी तरह से बनते हैं और एनहांस्ड होते हैं। तो जब वो स्कूल से बाहर निकलता है और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाता है तो वो बेहतर पोजीशन एक्वायर करता है, वो बेहतर जगहों पे काम करता है। स्कूल से निकलता है, उसको बेहतर इंस्टीट्यूशंस में जगह मिलती है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में। वो जब इंस्टीट्यूशन जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाता है क्योंकि तो उसके स्किल्स पॉलिश्ड है, वो कॉन्फिडेंट है, उसने जो कि जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल का बूम आया हुआ है, दिल्ली के महल्ले महल्ले में स्कूल है
और ना तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई फोकस है क्वालिटी को कंट्रोल करे या स्कूल की रजिस्ट्रेशन और अकाउंटेबिलिटी का कोई प्रोसेस बेहतर हो, तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स को फेस करना पड़ रहा है। एक तो उसमें जो लोग प्रोफेशनल नहीं होते वो प्रिंसिपल की सीट पे बैठे होती हैं, मैंने काफ़ी स्कूल विजिट किए हैं, तो मेरा उनसे जब गुफ्तगू करते हैं तो बिल्कुल ड्यूरिंग उनकी कम्युनिकेशन ये पता चलता है कि ये तो बंदा बिल्कुल लीडरशिप के काबिल ही नहीं है। जस्ट उसको ये फिक्र होती है कि मुझे 3500 से 4000 रुपये पे टीचर रखनी है और मुझे इतने की कॉपी इतने की बुक का मार्जिन में रख के मुझे सेल करनी है और फी जनरेट करनी। बिल्कुल। तो ऐसी सिचुएशन में हम एजुकेशनल लीडरशिप को कैसे प्रमोट कर सकते हैं और ऐसे लोगों को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं और ऐसे लोगों को फील्ड में ला के हम किस तरह ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि उनको कोई चेंज करे, उसको कोई ट्रेन करे। बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है और ये सेम एक्सपीरियंस मेरा भी है। मैंने बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ भी काम किया और लो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स के साथ भी उनकी इवैल्यूएशंस की, तो अव्वल तो वो तैयार नहीं होते अपने आप को इवैल्यूएट करवाने में, असेस करने में, बिकॉज दे फील के जी जो वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो जो हमने फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी ना 21st सेंचुरी लर्निंग में, कि अपने आप को सवाल करना कि जो मैं कर रहा हूँ उसको करने के दूसरे रास्ते भी हैं, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम इसको कहें कि हमारे इख्तियार में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हल यूँ नहीं है कि गवर्नमेंट NOCs दे देती है स्कूल्स बनाने के और विदाउट टेकिंग केयर ऑफ के जी जो बंदा है उसकी अपनी एजुकेशन और लिटरेसी के क्या हालात हैं, और वो स्कूल बन जाता है और वो एक मनी मेकिंग मशीन के तौर पर वहाँ पर काम हो रहा होता है। एज एन इंडिविजुअल या एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम चाहते हैं कि चेंज करना, ऐसे में कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रन भी हो रहे हैं, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स का काम भी का पार्ट भी रही हूँ, जिसमें हमने स्कूल टू स्कूल ऑन बोर्ड लिया लोगों को, उनको समझाया, उनकी बेसलाइंस की, उनके इवेल्युएशन बेसलाइंस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करवाई और ट्रेनिंग के बाद उनके इवेल्युएशन किए ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। इसके अंदर जो चीज़ सामने आई वो ये कि कुछ स्कूल्स, वही वाली बात, अगर अंदर आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है और अंदर आपको आगे बढ़ने की लगन नहीं है तो वो जो इवेल्युएशन और वो जो सारा प्रोसेस था जब तक हम करते रहे तब तक तो चलता रहा, उसके बाद वो बंद हो गया। और जहाँ पर लगन थी ग्रोथ की, जहाँ लगन थी आगे बढ़ने की, वहाँ वो कंटिन्यू रहा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ लेकिन उसको उन्होंने करने की कोशिश की। तो एज एन इंडिविजुअल तो शायद हमारे लिए ये मुश्किल हो, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हुए या अगर हम पॉलिसी मेकिंग में कहीं बैठे हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करा सकते हैं। हमने भी जो प्राइवेट स्कूल्स लिए थे तो अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे थे तो लोग तैयार नहीं थे। जब हम वो जिन बोर्ड्स के साथ अटैच थे, हम उन बोर्ड्स के पास जब गए हैं तो उनको बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो इसमें शामिल होना पड़ा। ये वाली चीज़ जो है वो मसला करती है। फिर आप ऐसे लोगों में लीडरशिप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लीडरशिप जो है वो विद इन है। लीडरशिप ऐसे ही किसी कुर्सी पर या किसी पोजीशन पर बैठ करके लीडर नहीं बन जाता इंसान। लीडर ऐसे ही बन नहीं जाते अचानक। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपने आप को इवैल्यूएट करना, अपने आप से बात करना, अपने आप को स्किल्ड करना, ये शामिल होता है। और किसी को कोई बात करनी है, किसी और का कोई सवाल? हमारे पास जो है वो लीडरशिप की जब हम बात करते हैं तो वही चीज कि जब तक अंदर से नहीं आएगी, कमर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अंदर से नहीं आएगी तब तक जो है वो हमें वो लीडर बन नहीं सकता। एक कुर्सी पे बैठने से लीडर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आमना ने एक सवाल किया मगर मेरे पास, मैं ये देख रही हूँ कि बहुत कम सवाल आ रहे हैं, बाकी लोग खामोश हैं। किसी को कोई सवाल नहीं, कोई कमेंट नहीं करना? जी आमना का सवाल मैं एड्रेस करती हूँ और उसके बाद फिर मैं
चाहूंगी कि मेरे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें सारे सब लोग, और अगर कोई आंसर कोई कमेंट है तो कमेंट करें। अच्छा आमना का उस पर रिप्लाई भी आ गया कि जी इक्विटी और इक्वालिटी आपने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैं समझी वो बात अभी रह गई है आपको समझ में नहीं आई। थैंक यू आमना, आपको समझ में आ गया। इरम ने कोई बात नहीं की हमारे साथ, और किसने कोई बात नहीं की, बहुत सारे लोग थे हमारे पास जिन्होंने बात नहीं की। मैं चाहता हूँ कि हमारा ड्यूरिंग लेक्चर यही भौकत रहा है कि स्कूल के डायरेक्टर को लीडरशिप की तरफ ले जाया जाए, प्रिंसिपल को ले जाया जाए, लेकिन हमें जो है ना टीचर लीडरशिप भी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कि इसके डायरेक्टर या प्रिंसिपल के पैरेलल है, तो इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा हमें जो है ना टीचर लीडरशिप की तरफ फोकस रहना चाहिए और टीचर लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ भी फोकस करें, ताकि जो हमारा डायरेक्ट इंगेजमेंट है जहाँ से मसाइल आना शुरू होते हैं वो उस क्लासरूम से आना शुरू होते हैं जहाँ। बिल्कुल जी उस्मान साहब, आपकी बात को थोड़ा सा मैं एक और एंगल से कहना चाहूंगी। जब हम ये बात करते हैं कि लीडरशिप, तो लीडरशिप जो है वो हमेशा उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, जैसे बिल्कुल हमारे घरों में होता है, जैसे माँ वैसे बच्चे, जैसे वालिद वैसे बच्चे, जैसे हमारे खानदान के टॉप नॉच मेंबर्स वैसे हमारी नीचे पूरी नस्ल बन रही होती है। बिल्कुल इसी तरह से एक लीडर जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो डायरेक्टर लेवल पर है, वो प्रिंसिपल लेवल पर है, वो मैनेजरियल लेवल पर जो भी लीडर है, अगर वो लर्निंग अप्रोच रखता है, हमने लीडरशिप की क्वालिटीज पे भी ये बात की थी कि वो डेवलप करता है खुद को और वर्कफोर्स को, हमने बात की थी ना ये, तो एक लीडर जब वो खुद को डेवलप करता है, लर्निंग अप्रोच रखता है, और जब वो अपनी टीम को उसी के साथ लेकर चल रहा होता है, तो फिर वो चीज नीचे तक आती है, वो क्लासरूम तक आती है। एक डायरेक्टर है, उसकी अप्रोच है लर्निंग अप्रोच, वो अपने प्रिंसिपल्स को उसी तरह लेके चलता है, वो प्रिंसिपल्स फिर क्लासरूम के अंदर उस चीज को लेकर आते हैं। तो ऊपर ही अगर हम ठीक नहीं होंगे तो नीचे तक वो चीजें नहीं हो पाएंगी। बहुत दफा ऐसा होता है कि टीचर जब क्लासरूम में होती है और जब ट्रेनिंग्स में होती है, तो उनका एक कंसर्न ये आता है कि जी हम कर तो ले, लेकिन हमें ऊपर से बना हो जाता। तो नीचे जो है वो ज्यादातर फॉलोवर्स होते हैं, टीचर्स ज्यादातर फॉलो कर रहे होते हैं जो पॉलिसीज हमारे पास ऊपर से आती है, जो प्रोसीजर्स हमारे पास ऊपर से आते हैं, जो तरीकेकार हम ऊपर से उनको भेज रहे होते हैं करने के। इसीलिए हमने कहा कि जब हम वॉइस एंड चॉइस को सामने रखेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और उनको अपने साथ शामिल करेंगे, और लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने टीम मेंबर्स को अपने साथ डिसीजन मेकिंग में शामिल करेगा, तो जो उसका विजन है वो नीचे तक पहुंचेगा, वरना वो नीचे आते आते पूरे से पहुंच नहीं पाता। तो जब लीडर अपने साथ शामिल करेगा, एनविजन जो है उसका, वो जो उसका विजन है वो नीचे तक आएगा, तो क्लासरूम के अंदर भी चेंज आएगा। कुछ और कहना चाह रहे हैं उस्माना? आमना भी कुछ कहना चाह रही है और कमर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन बाज पॉइंट्स पे जैसे कुछ स्कूल रिजल्ट्स होते हैं, जैसे आपने कहा कि लाइक मी आपने काफ़ी स्कूल विजिट किए हैं, तो डायरेक्टर्स का रवैया, प्रिंसिपल्स का रवैया बहुत अच्छा नहीं होता। इस तरह स्कूल लीडरशिप में हम प्रिंसिपल को तो वेल ट्रेन कर देते हैं, लेकिन वो लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस नहीं होता, उससे वो स्पिरिचुअलिटी का बाज दफा शिकार हो जाता है, वो समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही आता है, अगर मैं ये सारी चीजें इनमें डिलीवर कर दूंगा तो वो फिर, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि दरख्त पर चढ़ने वाली शेर और बिल्ली वाली, कुछ इस तरह की है, तो ये तरीका बन लेती है। हाँ, तो ये गुड़ छुपाने वाली बात आ जाती है, तो लीडर शुड बी ट्रांसफॉर्मर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी हम टीचर्स को थोड़ा सा कमतर समझते हुए हम आगे अपना नॉलेज ट्रांसफॉर्म करें ही ना, तो ये भी एक फैक्टर है, प्रॉब्लम है। बिल्कुल ऐसे ही है,
वही वाली बात कि अगर हम टीचर्स को डिसीजन मेकिंग का, हम यूजुअली टीचर्स को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं बनाते, सिर्फ जो हमने डिसाइड किया वो उनको बता रहे हो, तो फिर ओनरशिप नहीं आती, फिर वो उसको करते नहीं। जब आप डीलर्स को, टीचर्स को डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाते हैं, ट्रस्ट देते हैं और उनकी बात को सुनते हैं और उनके मशवरे पे जब जाते हैं तो वो बाउंड होते हैं। अभी उनके पास ये जवाब होता है कि जी हमने से तो नहीं, हमें जैसे आता था हमने कर लिया। जब वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होते हैं तो फिर वो उस चीज की ओनरशिप लेते हैं और उसको क्लासरूम के अंदर लेकर जाते हैं। और जब हम डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एक दूसरे पे भरोसा करते हैं तभी वो टीम बिल्ड हो पाती है, कि कोई अपने आप को सुपीरियर ना समझ रहा हो और कोई अपने आप को जो है वो कमतर ना समझ रहा हो, बल्कि सब एक म्यूचुअल गोल की तरफ मिलकर एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ एम्पावरमेंट, हम लोगों को कितना एम्पावर कर रहे हैं, ये सब डिसाइड करता है कि हमारी टीम हमारे साथ कैसी होगी। वो सिर्फ हमें फॉलो करने वाली होगी या हमारे साथ मिलकर कॉमन गोल की तरफ एफर्ट करने वाली होगी। आमना कुछ कह रही थी? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एड ऑन करना चाहूंगी कि बात बिल्कुल सही है, डायरेक्टर भी बाज़ुकात उनके बड़े वो अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी लर्निंग बेस होते हैं, डिस्कवरी बेस होते हैं, और प्रिंसिपल प्रिंसिपल के भी होते हैं, लेकिन बात आ जाती है कोऑर्डिनेटर पे। कोऑर्डिनेटर बाज़ुकात ये इंश्योर ही नहीं करता कि टीचर्स ने जो लेसन प्लान्स बनाए हैं, लेट्स सपोज एक क्लास, मेरी क्लास है, जैसे मैं अपनी क्लास का बताती हूँ कि मैं अपनी क्लास को एक मैथ का कॉन्सेप्ट डिफरेंट तरीके से देना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे ऊपर प्रेशर भी है कि मैंने ये टास्क आज के दिन ही कम्प्लीट करना है, क्योंकि उस टीचर ने, जो दूसरी सेक्शन की टीचर है, उसने वो आज के दिन ही कम्प्लीट किया है। हो सकता है मुझे वो जो कॉन्सेप्ट है वो दो दिन लेके चलना पड़े, लेकिन चूंकि प्रेशर होता है हमारे पास को टीचर का और कोऑर्डिनेटर का, तो हमें वो भी फॉलो करना पड़ता है, तो उसमें जो है बिल्कुल ऐसे ही। देखिए एक 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 टीचर के लिए ये प्रेशर ही, जब हम इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो ये प्रेशर ही तो हटाना है। जब हम कह रहे हैं कि हर बच्चा यूनिक है, तो हो सकता है कि एक सेक्शन में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में ज्यादा टाइम लग रहा हो और दूसरे सेक्शन में नहीं लग रहा हो, तो हम सिर्फ इस बात को देखते हैं कि ये कोर्स कैसे खत्म होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक है वो समझ नहीं आएगा तो भी वो कोर्स खत्म हो जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को जो रिक्वायर्ड टाइम दे दिया जाए तो आगे का कॉन्सेप्ट आसान हो जाएगा, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ सीढ़ी की तरह जुड़ा हुआ है। तो एक स्टेप में शायद ज्यादा टाइम लग रहा है तो अगला स्टेप उसके लिए आसान हो जाएगा, वरना यहाँ भी स्ट्रगल करते रहेंगे और थ्रू आउट स्ट्रगल करते रहेंगे। तो जब हम इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की, कल्चर की बात करते हैं, तो उस कल्चर में लीडरशिप का बहुत रोल होता है कि अपना विजन स्प्रेड करे, और साथ ही साथ एज अ मैनेजर अगर वो सिस्टम ने, क्योंकि हमने ये बात कही है कि लीडरशिप रिविजिट करता है अपनी चीज़ों को, लीडर हमेशा रिविजिट करता है, तो अगर उसको सिस्टम में लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसके प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अदरवाइज उस विजन का कोई फायदा नहीं अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, रीविजिट करना, रीस्केड्यूल करना, रीअलाइन करने वाला एलिमेंट हम नहीं रखते और हम रिजिट रहते हैं तो हमारा विजन किसी काम का नहीं रहता। ठीक है अमना जी, कमर साहब कुछ कह रहे? साजिद को भी कोई बात कहनी है? जी मैम, कमर, बाकी लोगों को कुछ नहीं कहना? जी कहिए। जी मैम, मैं उस्मान साहब की बात पे को जो साथ लेके चलना चाह रहा था, कि जैसे वो कह रहे थे कि टीचर लीडरशिप का जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ, तो मैं भी यही समझता हूँ कि बिल्कुल है, और जिसमें एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट आया हुआ है एजुकेशन लीडरशिप में, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप, कि जिसमें यानी कि जो हेड है या लीडर है वो अपनी पावर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे डेलीगेट कर देता है मुख्तलिफ टीचर लीडर्स के अंदर। ये अपना यानी कि ना, आई एम द विटनेस ऑफ दिस, के एक के बड़े अच्छे हमारे साथ प्रिंसिपल आए थे, तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट लीडरशिप रोल, तो उन्होंने इस तरह ये आके जो है एक मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने जो ड्यूटीज असाइन कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, और साथ ही उन्हें अकाउंटेबल भी कर दिया। तो बहुत से जो टीचर्स थे तो उन्होंने दे क्वाइटली रिफ्यूज के, सर हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं करेंगे। अब लीडर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि टीचर शुड कम फॉरवर्ड टू लीड, मगर जो टीचर है दे आर अनविलिंग टू लीड। क्यों? कि देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल इनर्शिया,
कि वो कहते हैं हम तो ऐसे ही काम करते आ रहे हैं अब तक, जैसे कि हम करते आ रहे हैं और ऐसे ही हम करेंगे. नाउ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट, इस डिफरेंट चीज को करने के लिए हमारे पास ये प्रॉब्लम आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएंगे. सो व्हाट दे सिंपली रिफ्यूज्ड. एंड एज अ रिजल्ट फिर क्या हुआ कि फिर वो तमाम जितना बाकी जो वापस जो है वो प्रिंसिपल साहब के पास ही चली गई. और इस तरह यानी कि जो एक कंसेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटिव लीडरशिप का, टीचर्स को एम्पावर करने का, उनके अंदर जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करने का, उनके लीडरशिप कैपेसिटीज को डेवलप करने का, दैट वॉज रूमिंग. तो लिहाजा जब तक यानी कि टीचर्स को भी बार बार ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि व्हाट देयर रोल आर और उनको अकाउंटेबल नहीं किया जाएगा. हमारे मैं पब्लिक सेक्टर स्कूल से हूँ यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से हूँ, तो हमारे टीचर्स 15-15 साल 20-20 साल ट्रेनिंग नहीं करते. कई ऐसे टीचर मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं कि जो कहते हैं कि हमने ट्रेनिंग की थी व्हेन वी वर एनरोल्ड इन द सिस्टम, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले, और 30 साल में उन्होंने तो आपकी एजुकेशन को इम्प्रूव किया, ना ही उन्होंने कोई अपने तौर पर कोई किसी भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कोई ट्रेनिंग कोर्स में किया. तो लिहाजा जब तक उनको अपस्किल नहीं किया जाएगा, उनको बार बार ट्रेनिंग नहीं करवाएगी, तो लिहाजा ये चीज़ जो है दैट लुक्स वेरी डिफिकल्ट, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल में जिसका मैं एक पार्ट हूँ फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. इससे पहले मैं एयरफोर्स दैट वाज डिफरेंट जॉब ओवर देयर, मगर यहाँ पर दैट इज क्वाइट डिफरेंट. तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि टीचर्स जान छुड़ाती हैं, दे रन अवे, दे डोंट वांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखेंगे हाउ दे कैन डेवलप लीडरशिप स्किल्स. थैंक यू मैम. बिल्कुल ऐसे ही कमर साहब, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स का भी अलमिया है. और बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि मैं भी अभी एक ट्रेनिंग करा कर आई हूँ और इसी किस्म के हालात उधर भी मैंने देखे हैं. और ये अलमिया वहाँ का भी और ये अलमिया हमारे कुछ प्राइवेट स्कूल्स का भी है. टीचर्स आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो जिस काम में है वहाँ खुश है, तो उनको पुश करना बहुत ज़रूरी है. देखिए चेंज हमेशा किसी एक से नहीं आता. जब हम चेंज की बात करते तो हमें वेरियस डायमेंशन से हर तरफ से जब फोर्स दिया जाता है तब चेंज आता है. एक डायरेक्शन से चेंज नहीं आता. चेंज तभी आएगा जब हर कोई अपनी एफर्ट कर रहा होगा और अपनी अपनी कैपेसिटी में चीज़ों को बेहतर करने के लिए, एक विजन के ऊपर काम करने के लिए एफर्ट कर रहा होगा. कुछ लोग वो एफर्ट दिल से कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली, उनको हमें सिर्फ मोटिवेट करने की और उनको सिर्फ अप्रिशिएट करने की जरूरत होती है. और कुछ लोग जो होते हैं जो ये काम नहीं करना चाहते, उनको हमें शायद रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो प्रोसीजर है उससे गुजारना पड़ता है और उनको ये बताना पड़ता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ऐसा 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 हो सकता है. तो उसको फिर उनको उसके अंदर शामिल होना पड़ जाता है. लेकिन जब तक सारे लोग शामिल नहीं होंगे तब तक चेंज फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा. उसके अंदर लूप होल्स रहेंगे, उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे, उसके अंदर कमी रहेगी. तो टीचर्स को भी तैयार करना, स्कूल लीडर्स को भी तैयार करना, पेरेंटल कम्युनिटी को भी ऑन बोर्ड लेना, और जो जो लीडर है उसका यही सारा काम है कि वो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बनाए, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर बोले, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अकाउंटेबल बनाए, कहीं अपने साथ मिलाकर उनको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाए, कभी उनके स्ट्रेंथ्स को इस्तेमाल करते हुए कोई इनिशिएटिव ले तो भी लोग मोटिवेट होते हैं. कि कुछ लोग हैं जो ऐसे नहीं आते, लेकिन अगर हम उनके स्ट्रेंथ्स को लेकर और उनको रिस्पॉन्सिबल किसी चीज़ पे करते हैं तो वो ज़रा फ़ख्र फील करते हैं और वो आना शुरू हो जाते हैं. तो ये एक लीडर के ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को उसको देखना पड़ता है ताकि वो अपनी टीम को इस तरह से बनाए कि वो चेंज को एक्सेप्ट करे और चेंज के ऊपर काम कर सके. बिल्कुल सही कहा है कमर साहब आपने. साजिद साहब कुछ कह रहे हैं? थैंक यू. एक तो मेरा सजेशन है कि अगर सबको मौका दिया जाए जो कोर्स मेट्स है उनको, कि वो अपने इंट्रोडक्शन कराए अगले, आज तो टाइम नहीं है, अगले सेशन में, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कौन कौन बैठे किससे बात कर रहे हैं. तो ये मेरा एक सजेशन है. और जो इक्विटी की बात जो दोस्तों ने बात की और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगी, मुझे काफ़ी लर्निंग हुई. मैं अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो इक्विटी के हवाले से. हमारे स्कूल में मॉन्टेसरी है और मॉन्टेसरी में
ये नहीं है कि आज ये बच्चा सीखेगा, उसके असेसमेंट की मतलब कोई फिक्स डेट नहीं है या कोई दिन नहीं है, तो वो कभी भी लर्न कर सकता है। और उसको टीचर जब वो पता ही नहीं होता कि मेरी असेसमेंट हो रही है बच्चे को, तो जब वो किस फेज से लर्न करता है और कब वो लर्न करता है, एक तो हमारी ये प्रैक्टिस रही है पिछले 2 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफी सक्सेसफुल रही। मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी बिल्कुल आ रही है जी आ रही अच्छा, है। और मैं अभी अच्छा कोरोना के बाद मेरी एक और प्रैक्टिस रही ये अपर प्राइमरी में और मिडिल में मेरी रही। हमारा स्कूल जो है वो ग्रेड से अभी ग्रेड 8 तक हो गया, तो उसमें हमने ये प्रैक्टिस की हुई है कि मिसाल के तौर पर अगर साइंस का टीचर क्लास में आता है तो वो पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट अपनी बुक्स और जो नोटबुक्स वगैरह वो खुद लेते हैं और हर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है उसी चैप्टर में। तो अगर उसका कोई सवाल हो तो वो टीचर से पूछता है, अदरवाइज टीचर बस खामोशी से बैठे रहता है और अपना जो है वो। तो कोई स्टूडेंट जो है वो एक टॉपिक में उनके ज्यादा सवाल होते हैं, कोई जल्दी समझ जाता है, तो हर एक मतलब चैप्टर के खत्म होने के बाद जो है वो असेसमेंट होते हैं। अभी हम उसमें थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन ला रहे हैं कि वो टेस्ट एक दिन पहले था हमें, जो कोरोना के बाद हम इस साल के लिए जो प्लान कर रहे हैं कि जब वो चैप्टर खत्म करेगा, जब वो खत्म करेगा वो खुद कहेगा कि मुझे मतलब असेसमेंट दे दे ताकि मैं टेस्ट दे सकूं, अदरवाइज टीचर उसको नहीं देगा। बस टीचर सिर्फ उसको प्लान देगा कि आप ये चैप्टर कितने दिन में खत्म करेंगे और उसको मतलब हेल्प आउट करेगा। थैंक यू। अच्छा चलें, ये अच्छी बात है। आप थोड़ा सा इसमें ऐड करेंगे कि टीचर हेल्प आउट कैसे कर रहा है, सिर्फ बुक से पढ़ने को दे रहा है या उसको कुछ रिसोर्सेज बता रहा है, उसको कुछ आइडियाज दे रहा है, कुछ वेबसाइट्स के लिंक दे रहा हो कि उधर जाओ उसको विजिट करो, कैसे हेल्प कर रहा है? जब वो स्टूडेंट वो तो एक्चुअली अपनी जो टेक्स्ट बुक है उनसे पढ़ता है, तो जब उनका सवाल होता है तो टीचर भी इस्तेमाल करते हैं स्कूल में जो इम्प्लीमेंटेड है, हम इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग करते हैं, तो टीचर ये नहीं करता कि उसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा, वो जो है वो स्टूडेंट जो है वो उससे कन्वर्सेशन करेगा ताकि उसके और जो है, एक तो ये तरीक़ेकार है। दूसरा हम हमारे स्कूल में हमने ये एस्टेब्लिश किया है अगर वो उसको हम कोई होमवर्क असाइन करते हैं तो जब वो सवाल लिखता है तो वो उसके नीचे रेफरेंस लिखता है कि मैंने ये इंफॉर्मेशन जो है ये विकिपीडिया से लिखी है या फना आर्टिकल से लिखे वगैरह वगैरह, तो उसमें जो है टीचर फिर उसकी हेल्प आउट करते हैं कि आप किस तरह इसको सर्च कर सकते मतलब को पकड़ा दिए, क्योंकि हम कहते हैं कि टीचर का रोल जो है वो फैसिलिटेटर है, बच्चे को ये बताना है उसने कि उसको सर्च करना है कहाँ कहाँ से सर्च करना है, कौन कौन से ऑप्शंस उसके पास है जहाँ से वो सर्च करेगा, क्या सर्च करना है वो खुद देख रहा होगा, कैसे सर्च करना है वो खुद देख रहा होगा, लेकिन एवेन्यूज हम उसको बता देते हैं कि आपको यहाँ से भी इसके बारे में मालूमात मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी, अब आप जाएं इंक्वायर करें, अपना डेटा जमा करें और उसको उसका एनालिसिस करें जो आपने पढ़ा है उसके साथ, उसको चेक करें कि क्या ये बात वही है और फिर अपना वर्जन उसके अंदर बयान करें कि आप क्या समझे इसके इस सारी चीज़ों से। तो बिल्कुल अगर इस तरह से काम हो रहा है कि टीचर बच्चों को फैसिलिटेट कर रही है, एवेन्यूज बता रही है, रिसोर्सेज उनके लिए अरेंज कर रही है और उनको अपॉर्चुनिटीज दे रही है, तो बच्चा खुद उसके अंदर जाएगा, उसको इंक्वायर करेगा और फिर अपनी लॉजिक के साथ उसको आकर एक्सप्लेन कर रहा होगा। बहुत शुक्रिया साजिद साहब आपका, आज मज़ा नहीं आया, बहुत कम लोगों ने बात की, पहला दिन था यकीनन, हम थोड़ा सा सोच रहे होते हैं क्या बोलें क्या नहीं बोलें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जूम के साथ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होंगे इतना लंबा टाइम के लिए किसी बात पे, तो उम्मीद करते हैं कि कल हम बहुत सारे लोगों को सुनेंगे और जैसे कि अभी हमें सजेशन दिया उस्मान साहब ने दिया था, मैं नाम गलत नहीं ले रही हूँ सॉरी, कि सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस भी कराएंगे जल्दी जल्दी से शॉर्ट उसमें आते ही कल, और ताकि अच्छी बात है हमें अभी बड़े लंबे अरसे तक साथ रहना है, 3 महीने हम साथ होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम साथ होंगे, तो एक दूसरे को जानेंगे तो एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से
हम सपोर्ट कर सकेंगे और हमारी लर्निंग भी बेहतर हो सकेगी एक दूसरे के साथ. मैं अब आज के सेशन को आई थिंक खत्म करूं, किसी और का कोई सवाल नहीं है. कल हम दोबारा 7 बजे इंशाल्लाह मिलेंगे और इसी लीडरशिप के मॉड्यूल को हम कल एंड कर रहे होंगे. कल हम इसको मजीद स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में और किस तरह से एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल होते हैं, कैसे वो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योर करता है, उसको मॉनिटर करता है और इंश्योर करता है कि वो उसकी इम्प्लीमेंट प्रॉपर हो रही हो, कल हम इस सब के ऊपर बात करेंगे. चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सबका. इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.